towards 18,350 or towards 18,200 to 150 levels. So let's see what market pans out in the next 2-3 days. But ये simple एक आप पकड़ लो कि after a marathon, after such a huge run up of say 3,000 points in last four or five months, it's just taking a pause. Nothing have changed in the structure of Nifty, nor anything have changed in structure of Bank Nifty. Probably Nifty is headed towards, क्योंकि 18,600 sustain कर रहा है, hold कर रहा है और proper level पे खड़ा है. तो प्रॉब्ली निफ्टी इज हेडेड टुवर्ड्स 21,000 और 22,000 लेवल्स इन नेक्स्ट वन ईयर. मतलब कल सुबह निफ्टी 21,000 नहीं आ जाएगा. गुजरात इलेक्शन जीत भी जाएंगे तो 21,000 का प्रिंट ना दिखेगा स्क्रीन पे. तो सिर्फ एक सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा. प्रॉब्ली मार्केट ने उसको भी डिस्काउंट कर लिया. अगर कल कुछ रिजल्ट में ऊपर नीचे होता है, हम दूसरी भी कंडीशन पकड़ के चलते हैं, वी आर प्रिज्यूमिंग के बीजेपी जीत रहे, ठीक है, एज पर एग्जिट पोल्स ऑल्सो, एज पर मार्केट सेंटिमेंट ऑल्सो. अगर बीजेपी कुछ गड़बड़ निकला तो हो सकता है मार्केट एक नीजेक रिएक्शन दे. गो बैक टू 2017 जब इलेक्शन हुआ था, मार्केट ने इनिशियल रिएक्शन दिया था. उस इनिशियल रिएक्शन जो 1.5% निफ्टी गिरा था, उसके बाद निफ्टी जाके क्लोज हुआ था डेज हाई पर. दैट वाज ऑलमोस्ट 3% काइंड ऑफ मूव फ्रॉम डेज लो टुवर्ड्स डेज हाई. तो अगर कुछ इनिशियल नीजेक रिएक्शन आता है और चार्ट पे रिवर्सल आता है, और एग्जिट पोल भी ने जो बोला वैसा ही अगर ये अपना क्या बोलते हैं बीजेपी परफॉर्म करता है, सो देयर आर हाई चांसेस वी माइट गो टुवर्ड्स 18,800-18,900. अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है. वन डेटा पॉइंट इज इंटरेस्टिंग इज दैट टुवर्ड्स फ्रॉम 18,600 टू 18,800 लेवल्स 4.5 करोड़ कॉल राइटिंग हुआ है. मतलब कॉल राइटर इतना कॉन्फिडेंट है कि भैया ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा. मतलब वो 18,600-18,700 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. 18,800 तो मेरा एक्सट्रीम लेवल पकड़ लो. तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि ऊपर जाएगा. और नीचे पुट राइटिंग कुछ भी नहीं है. जो पुट राइटिंग होनी चाहिए ना उतनी बड़ी, उतनी उस कंपेयर में नहीं. सेम विद निफ्टी, सेम विद बैंक निफ्टी. उसमें भी ऑलमोस्ट 2 करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 CR, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, कॉल राइटिंग में इतने खड़े. अभी देखते हैं कल सुबह क्या नीजक रिएक्शन आता है, नहीं आता है, क्या करता है क्या नहीं करता. And again repeating the same thing, I don't track Dow Jones. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता Dow Jones क्या करता क्या नहीं करता. भाड़ में गया Dow Jones मेरे लिए, I don't even care about it. हाँ, कोई long term में उसमें कुछ change होगा तो मैं पक्का देख लूँगा. Intraday Dow Jones में देखने वाला Dow Jones होता नहीं. I don't care what Dow Jones do. क्या आज कोई बोल देगा 500 point down है तो पक्का कल सुबह market खुलेगा. 1200 point down था तो भी हम days high पे close हुए थे, ठीक है. तो फैक्ट आके मुझे मत बताना कि डाउ जोन्स ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है. इससे कोई फायदा ना होना जिंदगी में. जितना आप ग्लोबल मार्केट ज्यादा देखोगे ना, आपका दिमाग खराब होगा. सिंपल है, आप ट्रेड करते हो निफ्टी, क्या को जाके ग्लोबल मार्केट की पंचायत करने का. बंद कर दो सारी चीजें देखना. जितना कम चीजें देखोगे उतना बेटर एनालिसिस रहेगा, उतना बेटर ट्रेड रहेगा आपका और लिमिटेड रहेगा. वरना डाउ जोन्स ने ये किया तो मैं भी जाके ये कर लूं. जापानीज हांगकांग, कल में किसी का ट्वीट पड़ रहा था कि हांगकांग मार्केट 4% ऊपर है. अरे हांगकांग मार्केट को 2008 से जाके देखो 50% डाउन है और अपन लाइफ हाई के ऊपर खड़े. तो हांगकांग और इंडिया का कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हो यार आप? आपको क्या ले देना हांगकांग के मार्केट से, आपको क्या ले देना चाइना के मार्केट से. हम तो एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं कर रहे, एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं. वो ठीक है, इनिशियल एक आध दिन कुछ हो गया, गड़बड़ तो हो गया, बाकी कुछ लेना देना नहीं. हम फॉर एग्जाम्पल, मैं जोधपुर से बॉम्बे जा रहा हूँ और वो मार्केट मुंबई से जोधपुर आ रहा है, ऐसा हो गया. तो उसमें मुझे क्यों पंचायत लेके बैठना है यार? ये सारी चीजें हमें देखना बंद कर दो. सारी चीजें आपका डिस्ट्रैक्ट करती है और कुछ नहीं करती. हाँ, सिंपल देखना है तो आपको DXY देखना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स करेंसी को मूव कर रहा है. आज भी करेंसी वीक हुई है. अगर 83 तोड़ दिया तो प्रॉब्ली इट माइट हेड टूवर्ड्स 85-86. दैट कैन बी अ फैक्टर फॉर इंडियन मार्केट्स. सेम टाइम 3.50-3.60 की रेंज के अंदर घूम रहा है अपना ये क्या बोलता है 10-year ट्रेजरी यील्ड, तो भी कंफर्ट जोन में. तो अपने को सिंपल एक जो चीज ट्रैक करनी है US मार्केट की, क्योंकि मदर मार्केट है. हम इतना भी इग्नोर नहीं करते कि रोज के टर्म्स में ना उसको कोरिलेट मत करो. हमें उसमें सिंपल एक ही चीज देखनी कि भैया वो 104 पे था, अब वो 108-109 जाता है कि नहीं जाता, कि वापस जो उसमें आ रहा है, क्योंकि FOMC की मीटिंग है, ठीक है, 12-13 तारीख को, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे को ही होता है उनका. तो अपना मार्केट उस दिन बंद हो जाएगा, उसके बाद वाके पॉल साहब जो भी बोलना है वो बोलेंगे. उस टाइम कुछ हो सकता है, वापस विक्स बढ़ जाए. विक्स आज भी 14, 13, 875,
14-20 के बीच में घूम रही थी, तो विक्स में भी कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल राइज नहीं आया है कि जिसके कारण हमें कुछ डरने की जरूरत है। विक्स को अगर मैं सिंपल टर्म से पकड़ूं तो मूविंग एवरेज में अगर 20 लगा तो जो डॉक्टर साहब ने मुझे सिखाया था कि मीन रिवर्टिंग होती है, मीन रिवर्टिंग करके 20 पर वापस आ गया, ओवरसोल्ड थी वापस 20 पर आ गया, तो शांत खड़ी है विक्स भी। तो इंडियन विक्स भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा कि कुछ बहुत बड़ा खतरा है ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हमें, वरना विक्स शूट अप कर जाता। सो मेरा बकवास बहुत हो गया, साहब हिमांशु हो ये फर्स्ट, घनश्याम सर है, किट सर को इन्विटेशन भेजता हूँ, सर्वेंद्र है, आयुष को इन्विटेशन भेजता हूँ, सो ऑल पीपल आर ओवर देयर। या हिमांशु प्लीज गो, किट सर को कल इनवाइट भेजा तो किट सर प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। और पहले किट सर बोलते हैं, केरिट सर बोलते हैं कि मुझे पैसा दोगे तो मैं स्पीकर बनूंगा, वरना मैं स्पीकर ना बनूंगा। तुम लोग फ्री में मेरा नॉलेज लेते हो, मुझे फ्री में नॉलेज नहीं बांटना, मजाक कर रहा हूँ। एक बार है ना, सब मतलब आज जो भी लोग हैं वन बाय वन एक बार सबका व्यू लेते हैं मार्केट पे, देन वी विल इवैल्यूएट लेटर ऑन कैसा चल रहा है। तो किरीट सर है, आयुष है, सो पहले किरीट सर इफ यू कैन जॉइन इन। किरीट सर का मैसेज आया था, 10 मिनट में जॉइन कर रहे, ठीक है। आयुष को मैंने भेजा है रिक्वेस्ट, मैंने भी भेजा है, जब तक श्याम सर और सर्वेंद्र सर भी है तो एक बार व्यू ले लेते हैं, देन वी विल सर्वेंद्र गो अहेड इफ यू आर देयर, और घनश्याम सर प्लीज गो अहेड। नहीं घनश्याम सर आप जाओ आगे, मेरे को भी 10 मिनट दो, आई विल जस्ट जॉइन। तो घनश्याम सर की नहीं तो भाभी है ना, उनका फोन छीन के रख देगी रात के 10 बजे बाद से। घनश्याम सर अगर जल्दी आ सकते हो तो भाभी आपको नहीं रोकेगी, लगता है घनश्याम सर को भाभी ने पहले घनश्याम सर को अंदर बिठा दिया कि कुछ ना बोलना, चुपचाप सो जा। सो आई डोंट थिंक घनश्याम सर इज ओवर देयर। सर सबको छोड़ दो, जो भी लिसनर्स है, अगर आपका सिर्फ मार्केट पे व्यू है, पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, सेंसेक्स पे, तो आप रिक्वेस्ट भेजिए तो एक्सेप्ट करते हैं, और आपका आपका व्यू सुनते हैं एक बार तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एक बार सारा व्यू सुनते हैं कि व्हाट इज द कंसेंसस, और उसके बाद कुछ एवेल्यूएट करना होगा तो अमित करेगा, घनश्याम सर है, सर्वेंद्र जी है, किरीट सर भी ज्वाइन करेंगे, आयुष भी ज्वाइन करेगा, तो we'll move ahead like this. Jai Hind and good evening to everyone. आज 3:30 बजे के बाद में मैं अंकित अभी अपने स्पेस में है, तो हम लोग ऐसे एक डिस्कशन कर रहे थे, काफी लंबा डिस्कशन चला हमारा 3:30 घंटे तक का, उसमें काफी कुछ ऐसे नई नई चीजें ये हो रही थी, एक एक चीज में घुस रहे थे। तो आज जो निफ्टी गिरा, जैसे हम हरदम अपना फिब रिट्रेसमेंट का जो लगाते हैं डेली मूव में, तो उसके हिसाब से बराबर निफ्टी 18614 पे वो फिब रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा था, वहाँ से 3 बजे का कैंडल अगर देखोगे 15 मिनट का, तो वहाँ से बराबर वो वापस नीचे घूम गया था। दूसरी चीज है कि आज अगर हम देखें तो रिलायंस में, TCS में, इंफोसिस में और ITC में शॉर्ट बिल्टअप हुए हैं, ICICI में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्टअप का टोटल, ये 5 जो शेयर्स हैं इनका टोटल वेटेज जो निफ्टी में है वो नियर अबाउट, अभी सर व्हाट्सएप देखेंगे कितना परसेंटेज था वो, 31 या 33 कुछ। आप स्टॉक का नाम बोलो ना मुझे, सबके वेटेज याद है। नहीं ये सबका मीट पे एक स्क्रीनशॉट डाला था मैंने, आप स्टॉक का नाम बोलो ना मैं बता देता हूं। इंडेक्स पे डिस्कशन चल रहा है तो स्टॉक तो आप मैं वही पूछा कितना वेटेज, इंडेक्स की बात ही कर रहे हैं वो, टोटल वेटेज जो है इंडेक्स में इनका, ये 5 स्टॉक का मीट पे रिलायंस 12% करीब,
एंट्री का 7% से ऊपर है, 5% अप्रोक्सीमेटली ये तक पकड़ लो ना, वो एंट्री एंट्री टीसीएस दोनों मिलके 10% है, एंट्री टीसीएस आईटीसी और आईसीआईसीआई में आईसीआईसी का कुछ 6 या 5% मतलब, हां 35% के करीब आ जाता है ये फिगर, 35% जो ये 5 ईयर में शॉर्ट बिल्टअप हो चुका है, ये भी एक रीजन रह सकता है कि आज जो डाउन लास्ट में जाके बिकवाली जो आ गई वापस से, स्पेनिश ग्रुप में बिकवाली आई, उसके बाद में वापस से रिकवर होके निफ्टी नीचे गया था। ओवर टू अमित भाई। गंजा में मार्केट के बारे में तो एक व्यू पूरा दे दो ना, मतलब आपने तो स्टॉक वाइज बता दिया मार्केट का आपको कैसा लग रहा है आउटलुक, बट एक निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू अगर आपने कुछ स्टडी किया हो तो एक बात दीजिए। 18500 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक थोड़े ये रनिंग करेक्शंस चलते रहेंगे, 18500 के नीचे अगर आता है निफ्टी तो मिडल बोलिंगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मिडल बोलिंगर बैंड अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, और अगर 50 डे मूविंग एवरेज जहां आएगा वो अगर तोड़ता है तो उसके बाद में फिर बेरिश व्यू होगा, तब तक बेरिश व्यू तो नहीं है, रनिंग करेक्शन आ रहे हैं वो एक, उसका लेवल भी बता दो ना 20 कहां पर है, अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूं और चार्ट भी नहीं है मेरे सामने। कैरी ऑन सर प्लीज। हां तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर वो तोड़ता है तो वहां पे कॉशियस हो जाना है और स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं जहाँ पे भी अपना पोजीशन है स्टॉक्स में, बेच बाज के बाहर नहीं पड़ना है, वॉच कंटिन्यूस रखना है, अभी जैसे हम लोग उतना नहीं देखते हैं, हाँ ठीक है पैसा डाल के रख दिया है डेंट के बाद में देखते हैं करते, तो वैसे ना करके उसको फिर मॉनिटर करना है, स्टॉप लॉस अगर लगता है या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का, स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाने का है। अल्टीमेटली अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं वीकली चार्ट तो 19,300 का एक ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था उसका एक पहला लेवल निकल के आता है 19,300 का, बट वो अभी इमिडिएटली आने के चांसेस थोड़े कम है, टाइम लगेगा उसको, और जैसे अभी दिसंबर एंड आ रहा है, दिसंबर एंड में एक पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि एफआई अपना प्रॉफिट बुक करे, पैसा घर पे लेके जाएंगे, उनके यूएस में जो है उनका बुक क्लोजर रहेगा दिसंबर का, तो वहाँ पे जैसे हमारे म्यूचुअल फंड को अपने मार्च एंड में प्रॉफिट दिखाना होता है या एनएवी बढ़ी इतनी ये हो गई वो दिखाना है, वैसे उनको अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी बताना है, तो जहाँ जहाँ पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट है वहाँ पे वो थोड़ा बुक करेंगे, चर्निंग काफ़ी सारा होगा, तो उस हिसाब से एक एफआईआई की थोड़ी बिकवाली भी यहाँ पे दिसंबर में आ सकती है, फिर बाद में लास्ट के वीक में लास्ट के 2 वीक वो उनके छुट्टियों के रहे। बढ़िया सर, वो एफआईए का तो एक्चुअली एनुअल रिडक्शन अभी होना ही है, ड्यू है तो वो होना ही, क्योंकि तो अपना ईयर एंडिंग अलग है उनका ईयर एंडिंग अलग है तो रिडक्शन तो जाएगा ही जाएगा। यस, तो उस वजह से अगर एफआईए की बिकवाली दिखती है तो हड़बड़ाने का नहीं है, शांति से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, बैठे रहो। ओवर टू यू सर। सो वी विल टेक गौरव, गौरव निफ्टी बैंक निफ्टी पे
व्यू या कोई क्वेश्चन है तो वही स्पेसिफिकली वही पूछना है ना। हाँ व्यू है निफ्टी का, तो लास्ट दो तीन दिन से वही हो रहा है, बेच बेच के लोग थक गए हैं, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। तो 1 दिसंबर का हाई से 10,000 करोड़ का सेलिंग होने के बावजूद मार्केट खाली 300 पॉइंट गिरा है, पॉइंट नंबर वन। और 20 पीरियड में अपना 18,450 पे है, और हॉरिजेंटल बहुत लोग मतलब सेम सीरीज का ऑप्शन चेन देखते हैं। मैं इस वीक नेक्स्ट वीक मंथली तीनों का हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे है, और पुट कॉल रेशियो निफ्टी में 0.76 है। ओवरसोल्ड मार्केट है, बेच बेच के थक गए हैं। मैंने कॉल लिया हुआ है 15 दिसंबर वाला 18,600 का, और स्टॉप लॉस है 18,450। अगर कुछ बहुत नीचे भी गिरेगा तो साइज उसी हिसाब से कम है कि ज़्यादा नहीं ये होगा। तो ट्रेड अभी यही लगता है, एक ट्रेड इधर 18,550 के आसपास 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, 18 अभी जो रिसेंट स्विंग हाई लगाया था वो टारगेट के हिसाब से वो लग रहा है। लेकिन डेटा वेटा सब नेगेटिव है, लेकिन एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि बेच बेच के थक गए और बोलते हैं ना कुछ उखाड़ नहीं पाए, ऐसा ही सिचुएशन है मार्केट का। 10,000 करोड़ सेलिंग कर करके 300 पॉइंट ही गिरा है। तो इंडिया रिटेल पार्टिसिपेशन, पहले मजाक में लोग बोलते थे, अभी वो सीरियस हो गया है ना भाई, ये लोग बेच बेच के पता नहीं। गौरव उसमें एक चीज ऐड करता हूँ, जब पूरा एफआईआई सेलिंग चालू था हम टॉप से सिर्फ 20% गिरे थे और वहां से वापस पूरी रिकवरी करके लाइफ हाई पर आ गए। तो जो बोलते हैं एफआईआई सेलिंग कर रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहा है, 1,80,000 करोड़ की प्रोविजनल डेटा था। जब मैंने उसको एक्चुअल डेटा निकाला तो एक्चुअल डेटा उससे कम था, ठीक है। हम प्रोविजनल डेटा पे जाते हैं, सीडीएस एनएसडीएल की वेबसाइट पे जब आप एफआईआई का डेटा पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि ये प्रोविजनल फिगर्स है, आप जाके फैक्ट चेक करना है तो एनएसडीएल की वेबसाइट से चेक करो, और आई बिलीव मोर देन एनएसडीएल वेबसाइट रादर देन एनीथिंग एल्स। तो उसमें बोलता है कि भैया उसने बेचा भी नहीं, कम बेचा, जितना पब्लिक को बोला जाता है 2,00,000 करोड़ का बेच दिया, जो मीडिया सबसे ज्यादा उछल उछल के बोलती है, मीडिया सबसे ज्यादा पब्लिक को मूर्ख बनाती है, बेच दो बाजार चला जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे आना होता तो प्राइस पे दिख जाता है, जब प्राइस बोल रही मैं ऊपर खड़ा हूँ 200-300 पॉइंट टॉप से नीचे है, 18,000 के इंडेक्स में 200-300-400 पॉइंट क्या है, मतलब नॉट इवन 2% में तो पब्लिक बोलती टॉप लग गया, ये हो गया, मार्केट गिर जाएगा, क्रैश आ जाएगा। क्रैश का मतलब क्रैश का मतलब चलते चलते 100 पॉइंट गिर रहे तो लोग बोलते हैं आजकल क्रैश हो गया। सो दैट इज नॉट अ क्रैश व्हाट यू पीपल थिंक। क्रैश होता है कि भाई 50% बाजार गिर गया, मतलब निफ्टी 50% गिरा और स्टॉक 80% साफ हो गया, वो क्रैश होता है। 10-20 पॉइंट में तो लोग क्रैश, मार्केट टॉप, ये वो, 50 पॉइंट में तो बस हो गया, अब ये लाइफ हाई नहीं आएगा वापस। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग यार, प्राइस सब लेवल तोड़ के खड़ा है। सब डाउ जोन्स की डाउ थ्योरी जो है वो बोलती है हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, अब हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, सिंपल टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। उसके बाद अगर कोई ऐसी बात करता है ना तो मजाक में उड़ा दो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोगों का ना, हाई जब तोड़ता है तब बाय करते हैं। अभी जो लोग बैठे रहेंगे 18,890 जब क्रॉस करेगा ना तब बाय करके, अभी जो स्विंग लो बना है वो स्टॉप लॉस करेंगे, फिर नीचे आ गया तो फिर निकल जाओ, फिर ऐसा ही हो रहा है। लेकिन किसी ने बोला है ना ऑप्टेंड में बाय द डिप्स, वो नहीं बोला है कि ऑप्टेंड में बाय द ब्रेकआउट। अभी लोग ब्रेकआउट बाय करते हैं अलग, वो अलग है। तो थोड़ा जो स्पेस रखेगा, थोड़ा नीचे आएगा तो बाय करेगा। नीचे मतलब क्या है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज उस जोन में, जैसे अभी 18,500 का जो जोन है उधर पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस टिगर हो गया तो हो गया। अभी एक ट्रेड में कहां अपना घर बार बेच बाज के हम लगा रहे हैं कि पूरा अपना सब चला जाएगा। भाई, सॉरी, अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक लेवल दे दो ना निफ्टी को, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आप ट्रैक करते हो, कि इस लेवल पे, इस लेवल के नीचे जाए तो आपको कॉशियस रहना है या इस लेवल 18,450 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। हाँ, क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि ये हाई भी था, मतलब जो हायर हाई बना रहा था 18,419 या कुछ था वो हाई था, उसके बाद उसको क्रॉस करने के बाद हम लोग गए ये 18,800 जो भी है 87 पे। तो वो हायर हाई के अगर नीचे क्लोज होता है 18,450 तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी उधर ही है। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 3 सीरीज ये वीक का, नेक्स्ट वीक का मंथली का 18,500 पे है। तो अगर वो तोड़ देता है 50 पॉइंट का एक ये देते हैं उसको कुशन, और वो 18,450 अपना 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी है, लास्ट स्विंग हाई भी है, तो 18,500 के 50 पॉइंट नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो लॉन्ग भी खत्म। फिर देखना है क्या करना पड़ेगा बाद में। हाँ अभी तो बढ़िया,
गजब सर, आपको पूछने की जरूरत होती है, आप कभी भी बोल सकते हो। अरे नहीं, मैं अभी मोबाइल जेब में रखा हुआ है, ठीक है। और एक मैं इस पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो अपना फोर्टनाइटली एफआईआर डेटा जो पब्लिश होता है एनएसडीएल, उसमें अगर आप देखोगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने एफआईआर का बाइंग था, सबसे ज़्यादा बाइंग था अगस्त में और सेकंड हाईएस्ट बाइंग था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट में ज़्यादा बाइंग था और सेकंड फोर्टनाइट में थोड़ा कम बाइंग था। वो डेटा को और अगर एनालाइज कर तो जो एफआईआर कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर में सेलिंग पे था, वो पिछले 3 फोर्टनाइट से यानी मिड ऑफ अक्टूबर से आईटी सेक्टर में बाइंग शुरू कर दी है और बाइंग कंटिन्यू है। नवंबर का अगर डेटा देखते हैं तो उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला, उसमें इनका अच्छा खासा बाइंग आया हुआ है। मेरे ख्याल से टॉप 5 बाइंग में सबसे ज़्यादा सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर रहेगा। अभी मेरे सामने डेटा नहीं है, जो मुझे इतना रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ वो बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। कैपिटल गुड्स सेक्टर अगर आप देखोगे, वो डेटा मैंने ट्वीट किया हुआ है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ पहले 3 फोर्टनाइट मतलब मई फर्स्ट हाफ तक सेलिंग था एफआईआर का और उसके बाद में कंटिन्यूस बाइंग चल रहा है। नवंबर मंथ में वापस से एफआईआर ने ऑटो सेक्टर में भी बाइंग की, पावर सेक्टर में उनका थोड़ा सेलिंग है। और कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में बाइंग है और रियल्टी सेक्टर में सेलिंग। तो हो सकता है ये डेटा काम आए, तो उस हिसाब से उन सेक्टर में के जो स्ट्रांग स्टॉक्स है या जिनमें अच्छा मोमेंट आ रहा है, कहाँ पे अगर अनयूजुअल वॉल्यूम आया है, तो वो देख के वो स्टॉक हम एक प्रॉपर रिस्क डिफाइन करके उसमें हम एंट्री रख सकते हैं हमारी। ओवर टू अमित भाई। सर थैंक्स बोलोगे ना मैं पैसा ले लूंगा, ध्यान रखना। आप स्पीकर के लिए पैसा मांगते हो, मैं आपको बुलाता हूँ तो पक्का पैसा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये हाथ दे, क्योंकि हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स है ना, तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हम पूरे दिन यही काम करते रहते हैं जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। अरे और क्या करेंगे, मार्केट कुछ नहीं कर रहा तो जबरदस्ती पेट थोड़ी लेना होता है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। सो अच्छा एक मिनट कर, अगर आपका हो गया तो मैं आपको एज अ स्पीकर रिमूव कर देता हूँ, डोंट माइंड इट। हाँ वापस आपका कुछ व्यू पॉइंट रहेगा, प्लीज ज्वाइन बैक सर, प्लीज कैरी ऑन नाउ। ओके थैंक यू। पहली बात तो ऐसा है, the market seems to be tired. There is no follow-up buying which is happening. Now markets tend to behave like human being. Wo daudte hain, thak jate hain, pani peete hain, phir daudte hain. Now why am I saying the market seems to be tired? It's purely because agar aap volatility dekho ya range dekho, the range is shrinking day by day. If you see the volumes are also shrinking drastically. एक शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं देखना है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड में देखना है, उसी ओवर 20 डे पीरियड एवरेज वॉल्यूम कितनी हो रही है। सो ए दे आर फेसिंग हेडविंड्स वेयर दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत जो मुझे बाजार का समझ में आता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक गुजरात रिजल्ट्स एंड टुडे दिल्ली रिजल्ट्स आर वेल डिस्काउंटेड इन द मार्केट। सो It's you know, जैसे डकन मिलर साहब कहते हैं, the obvious in the market will obviously not work. Okay. सब I just heard somebody saying कि कितने भी मंदी कर लो बाजार नीचे नहीं जाएगा। बाजार कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता है। System wise I am short Nifty, short from 18805 odd level, 20-25 point आगे पीछे।
I know my ankle point, my pain point, where will I cut Nifty? Now on the flip side of it, I will give you both sides of the picture. Traditionally, December have been good month. Now, if you see GAN cycle, which I follow, but main ek baar bata doon, ki jin logon ne bhi ye galat fehmi de rakhi ki GAN was like magic or elite pay was like magic, all nonsense. Nothing works like it. Nobody can predict the market in the long run. Now, traditionally, a 5-year, 10-year, 15-year, 20-year cycle of GAN says that December have been good month. But what is slightly disturbing is, ये महीने का जो मंथली ओपन है 18780 समथिंग, द मार्केट हैज बीन कांस्टेंटली ट्रेडिंग बिलो द ओपन टाइम एंड अगेन. अमित भाई, जब भी मैं आपके स्पेसेस में आता हूँ, इफ यू वांट टू सी द बुलिश और द बेरिश कैरेक्टर, इफ यू सी इफ इट ट्रेड्स अबाउट द ओपन दैट्स अ बुलिश साइन, इफ इट ट्रेड बिलो द ओपन दैट्स नॉट अ बुलिश साइन, विच इज अ बेरिश साइन. ओके, नाउ द मार्केट्स आर नोन टू सरप्राइज, इट्स यू मेक द बिगेस्ट मनी ऑन द सरप्राइज साइड. It looks extremely tired, and for it to happen, you need a new thing. You know, all these, dekho, market ke ek jana-mana raaz hai, market discount the future well in advance. Hum jo sochte hain, usi hisab se chalta, so you wouldn't have over 99% people losing money in the long run, less than 1% people making money in the short term. Traditionally, Januarys have, if you see historically, Januarys are supposed to be the worst months. But क्योंकि हमारा बजट आता है 1st of Feb को, so that's a saving grace for us. If I divert slightly from Indian markets, US market में, I don't know how many of them are aware that the biggest fund of Ray Dalio, Bridgewater Associates, is deep shit. They've lost the entire profit in one currency trade where it was a carry forward trade, China versus Mexico. They lost big time. उनकी position सबसे बड़ी position है market में. मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि बाजार 15,000 या 14,000 आ जाएगा. तो जस्ट अ व्यू आई एम शेयरिंग. अब जब किसकी सबसे बड़ी पोजीशन होती है, इफ अ ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी कैन नो, तो ऑब्वियसली द यूएस पंटर्स नो इट वेरी वेल. सो ही हैज टेकन अ बिग हिट, कि आई मीन इन दिस जस्ट दिस वन ट्रेड ही हैज लॉस्ट द एंटायर ईयर प्रॉफिट. तो थिंग्स, I mean, obviously, I'm short, so my bias is on that side, but market doesn't bother ki main kya sochta hoon, kya nahi sochta hoon. But I think, you know, you can't rule out an 18,000, 18,200. I'm not a believer in levels, but it seems to be there is too much from... Haan. Kya, sir? Girish ji, sorry, aapko interrupt kar raha hoon yahan pe. Just wanted to ask you a question. You spoke about this fund. And you are talking about the lost entire year's profit. I just have a question. What is the Manju, go ahead. Percentage of amount, so. What is what the percentage is... of amount which they have lost? Sure, Manju ne haath raise kiya, iske liye aap ruk gaye the. Aap continue karo, usko aapka end ho jayega, fir wo question puchega. Carry on, please, sir. Yeah, Vishal, go on. No, I'm asking a simple question. What is the total amount of loss versus the total kit, sir, aap carry karo, manchu question last mein le lenge, aapka end ho jayega, uske baad le lenge question. Their AUM of Bridgewater Associates is upwards of $3 trillion, so in the range of 6-6.5% was their annual return, calendar year return, but they seem to have lost in that one single trade. So in rupee value, I mean, rupee value doesn't justify, you effectively see what are the percentage return that they've lost. Hi, Manchu ji, you had a question? Yes, sir. Hi, Manchu. I can't hear you. Manchu, how are you? Manchu is facing some connectivity issues. So maybe you can continue with your whatever you are talking about. Yeah. So I think, you know, there could be a situation, you know, we are just at the start of the month. Also, ek baat aksar humne notice ki hai, since we do a lot of data researches, the premium is hovering around between cash Nifty and future Nifty. I don't trade bank Nifty. It's in the range of 100, 125 points. Eventually, the premium has to peter off. So once it comes down to a respectable level, there probably we could see. Whenever you're very high premium, it's a very obvious trade.
let's manages in the short term to go about 19,000, then you can say, but you know, you need some reason for it to go up. With the results have already been announced, next set of numbers will only come, I think, in the 10th tarikh ke baad of January. So between now and January, and plus there is this rumor, inverted comma, rumor going on that jo log expect kar rahe hain ki LTCG kam karenge. I mean, nonsense yaar, doodh deti gaay ko kaun marega? जब करोड़ रुपए के M2M सोशल मीडिया में आते हैं, यू थिंक हु वुड लाइक टू किल अ मिल्किंग काउ? नोबडी. सो इट कुड प्रोबब्ली गो, आई मीन दिस इज जस्ट रूमर, आई डोंट नो, आई एम नो एक्सपर्ट. एंड व्हाट? नो सर, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट रूमर. एलटीसी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि जो रिटेल पार्टिसिपेशन exactly. है वो बहुत ज्यादा है. एग्जैक्टली exactly. गवर्नमेंट हैव टू, मतलब उनको तो कहीं से भी पैसा कमाना है, तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए. बट यस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कंटिन्यू. नहीं नहीं नहीं, यू मेड दैट पॉइंट, आई वाज अबाउट टू से दैट, बट आई डिडंट वांट पीपल हाउंडिंग मी. So thank you very much for having made that point clear. I mean, that's the rumor which even I have been hearing, but rumors are rumors. I think, you know, why this fascination with FII? Can somebody explain me? Jab bazaar 16-15 tha, they were the biggest sellers. And tab log baat kare the 12,000 aur 10,000 ki. Now, traditionally, if you see, FII is buy. So this is one thing I have noticed. I don't know how many of you have heard about the legendary trader Richard Dennis, who 1980s ke one of the top traders of the world the, jo Beeson ka high buy karte the, Beeson ka low sell karte the. If you follow FII Nifty per se, 15 Beeson ka jab high todta hai, FII is a usually buyer. 15 Beeson ka low todta hai, they tend to be usually sellers. And with this, I remember one more point which I mentioned with my friends. Another legendary trader by the name Victor Spinado, who's one of the top traders of the world. You do a Google search, Market Wizard, maybe you can interview him. वो एक बहुत अच्छा बताते थे 1A 1B system. वो system उनका ऐसा था. He says the previous high of Nifty was 18605 cash Nifty. So whenever after a long period of time, it Nifty breaks the high, and if it goes in, मान लो 18605 तोड़ के 18900 गया. 18900 के बाद आके जब वो 18605 के नीचे सक्सेसिव क्लोज देता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ अ ईयरली हाई, नॉट अ 15 मिनट कैंडल या 20 मिनट का कैंडल का. सो लेट्स से 2-3 डेज इफ इट गिव सक्सेसिव क्लोजेस बिलो 18605, दैट यूजुअली मार्क्स द एंड ऑफ दैट करंट ट्रेंड फॉर द टाइम बीइंग. सिमिलरली जब लो तोड़ के वो लो के ऊपर ट्रेड करता है, दैट इज द रिवर्सल ऑफ टाइम टू बाय. Now we've tested this model and it works relatively well. So all these things, of course, mera personal bias bhi ho sakta hai because we are short Nifty. My short-term system has given a sell at 18.8. Long-term system will further substantiate the sell at probably 18.5, 18.4 on closing basis, jo bhi hai. But you know, these things don't matter to us. Is, you know, I think. It makes more sense going with the view. Not going with the view, going with the flow. Hamara kya view hai, agle ka kya view hai, the market is least bothered. Bajar wahi karega jo usko karna hai. And please, please, please understand, your biggest money will always be made on the surprise side. I once again reiterate, 15,000, 16,000, 16,500 mein jab duniya ko mandi dikh rahi thi, including me, I think Amit and Himanshu Srimali were the ones who were saying that market niche nahi jayega. And they made a killing out of it. You will not go right always. Even if you go right, let's say 3 out of 10 times, and if you have the potential to hold the trade, that's where you make the biggest money. Baki opinion to kya hai? Everybody has an opinion. But do you follow your opinion? अब जैसे हमने शॉर्ट किया 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज ऑर्डिनरी फॉर मी, पर मैं 200-250 पॉइंट में कभी नहीं काटूंगा. आई वुड ऑब्वियसली वांट टू 1000 पॉइंट नीचे जाए. अब मेरे सोचने और मेरे मांगने से तो बाजार नहीं करेगा, बट इफ आई एम लकी ना, इट विल डेफिनेटली गो.
And also, if you read the sentiment, you know, currently everybody is bullish. Again, I'm repeating, I could jolly well be wrong. If everybody is on one side of the trade, then how can the trade just keep continuing going up? It just cannot. It's like a pendulum. The pendulum ek extreme mein chale jata hai. There is a loss of momentum. It doesn't go and it reverses on the other direction. So these are my two cents. What I think, sahi ya galat, bazaar batayega. But for every trade that I take, I know how much I can lose. And in every trade, we are pessimists, believing that everything can go wrong. If everything goes wrong, I should not be out of the game. That's it. Thanks, Amit. Thanks, Himanshu. Thanks, Vishal. Over to you. Thank you, Girish sir. Oh, मैं थोड़ा सा थोड़ा बाकी जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा थोड़ा सा जो हम डिस्कस करते हैं उसमें थोड़ा सा इनसाइडर देना चाह रहा हूँ. व्हाट वी डिस्कस इज जैसे हम कुछ बात हो रही है तो अगर किरीट सर भी अगर किसी मार्केट पे अगर बेरिश भी है तो उनका लेवल ऐसा है कि मार्केट 18,000 आना चाहिए. अगर हिमांशु भी बेरिश है तो उसका लेवल है कि 17,800 एक बार आना चाहिए क्योंकि हम मतलब ऐसे एक्स्ट्रा लेवल्स पे कहीं भी बीरिश नहीं है. मार्केट इज बाउंड टू बी थोड़ा बहुत करेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि इट इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी मार्केट. तो सारे लेवल्स है 18,000 का है 17,800 का है बट आई डोंट सी उसके बियॉन्ड कुछ मार्केट गिरने वाला है. सो इट इज़ अ हेल्दी करेक्शन एंड इट इज़ नेसेसरी इन अ गुड मार्केट. अगर जैसे आप बुलिश मार्केट मानते हैं तो उसमें एक हेल्दी करेक्शन भी आना है चाहिए. सो दिस इज अ लेवल अगर 17,800-18,000 भी आता है तो इट इज़ अ गुड साइन. यू गेट द अपॉर्चुनिटी. काफ़ी लोग होते हैं जो कई बार रैली मिस कर जाते हैं, कई लोग मंदी में भी मिस करते हैं, कई लोग तेजी में मिस करते हैं, कई लोग बहुत लेट ज्वाइनर्स होते हैं कि अब यार मार्केट तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ. ये तो वो भी थोड़ा सा ज़रूरी है. एक हेल्दी करेक्शन छोटा करेक्शन आना चाहिए. सो इट इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर ओवर हेल्थ ऑफ द मार्केट. तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि एक छोटा हेल्दी करेक्शन आए एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज किसी भी स्टॉक में क्योंकि रिजल्ट सीजन भी आता है. सारे कुछ चीज़ होते हैं, सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं. सो यस दिस इज फ्रॉम माई साइड. अगर तो मैं किरीट सर को एक चीज बोलता हूँ. किरीट सर, हमने जब स्पेस किया था जुलाई में, मुझे आज भी याद है, एंड वी वर द ओनली बुलिश पीपल ऑन ऑल दिस ट्विटर. मतलब जितने लोग स्पेस करते हमने लॉजिक रीजन और पीडीएफ के साथ शेयर किया था. पीडीएफ आज मेरे टेलीग्राम चैनल पर है क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ शेयर नहीं किया जा सकता. हमने बहुत सारे रीजन, डेटा, फंडामेंटल सब कुछ पकड़ के निकाला था कि भाई यहाँ से नहीं दिखता, यहाँ से 500 पॉइंट और गिर जाएगा ना, बट यहाँ जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी आपको वापस नहीं मिलने वाली. सर वो मेरे तो वो आज भी कैरी ऑन है. वो जो पुराने ट्रेड थे ना, जब हमने निफ्टी पीएसयू बैंक्स बोलते थे, लोग गालियां देते निफ्टी पीएसयू बैंक कौन खरीदता है, टीवीएस मोटर कौन 600 पे खरीद के जा रहा है, या एमएनएम कौन सा 800 रुपए पे कोई खरीदने जा रहा है. एमएनएम का चार्ट बोल रहा है, प्राइस बोल रहा है कि भैया मुझे ऊपर जाना है, जबरदस्ती मुझे नीचे का क्यों ढूंढू. तो हमारे तो सिंपल प्राइस एक्शन अगर मुझे बोल देता तो मैं वॉलंटियर करने वाला ना आवे सही यूज कर लूं. सर ये तो मेरे को तो सर उस कारण 870 का याद है और 1100 रुपया एमएनएम पे आया था. ये इस स्पेसेस की बात है. 870 860 ऐसा कुछ चल रहा था एमएनएम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 1150 निकाल के गया था उसी टाइम में. मतलब निफ्टी फ्रॉम 15,400-15,500 लेवल्स टू जो भी अब तो लाइफ आई है, पर उसी दो एक महीने की बात है. सर वी आर नॉट हियर फॉर एप्रिसिएशन ऑफ एनीवन. हमें जो लॉजिकली दिखा कि भैया चार्ट फंडामेंटल सब कुछ जोड़ के जो निकाला एक निचोड़, उसमें अगर हम गलत होते तो पक्का हमारा भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता. गलती से आप जो बोलते हो ना किस्मत चली, ऊपर वाला अपना प्रभु राम ने साथ दिया, वो ट्रेड चल रहा है. अब वो अगर मैं 3,000 पॉइंट खा के बैठा तो 500 पॉइंट गिर भी गया तो मुझे फर्क ना पड़ता. आज के टाइम में मुझे पता है हिमांशु, किरीट सर, एक हमारा मंदोड़ी, आपको पता है कौन है, एक मंदोड़ी का नाम बताओ जो जिसको सिर्फ हमेशा ऊपर से भी मंदी दिखती है, विशाल असगिया. जो बेचेगा वो बचेगा, जो बेचेगा भाई इसको बेचना ही होता है. तो ये हमेशा चलते मार्केट में बोलेगा बेचते,
मैं बोलता हूँ तेरा क्या दिमाग खराब है, मैं इसको डांटता ही इतना, फिर बोलता है मैं तो बेचूंगा और उसमें भी पैसा कमा, वो स्कैल्प मारता है। तो हर का अपना तरीका होता है ट्रेड करने का, हर इंसान अपने तरीके से ट्रेड करता है। आप एक मेथड ढूंढो, मैं सही नहीं हूँ, क्रेडिट सर सही नहीं है, हम में से कोई सही नहीं, हम भी बहुत गलत जाते हैं, हम 60% टाइम पकड़ लो हम रॉन्ग ही करने के लिए पैदा हुए, बट जब 40% या 35% भी हम अगर सही जाते हैं ना तो हमारा पूरा पैसा निकल के आ जाता है। यू नॉट येट सेलिंग समथिंग काइंड कि हम 99% सही जाते हैं, हमने जो बोल दिया वही मार्केट करेगा। अगर हमें पिताजी को पता होता कि हम सही जाने वाले हैं, हम पूरा ट्रेड एक ही ट्रेड में ना पैसा डाल देते। सो लेट्स टेक सम अदर स्पीकर सर, अपनी बकवास बहुत हो गई, किसी और का भी कुछ व्यू पॉइंट लेते। सर्वेंद्र भाई बहुत टाइम से वेट करें, इनका शायद 10 मिनट हो गया रहेगा। सर्वेंद्र सर, अगर आपका 10 मिनट हो गया हो तो प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए ब्रॉडली तो अब कल का रिजल्ट जाने देते हैं और सब देख लेते हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी, बट या आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट जो रेंज है वो है, और मैंने भी जैसे कल के स्पेस में ही बोला था कि 18600 स्पॉट के आसपास किसी को बनाना है पोजीशंस, तो आई थिंक 18440 के स्टॉप 44 के स्टॉप लॉस से आई थिंक आधी क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में पोजीशंस बनती हैं। बट अब देखिए वॉलेटिलिटी है, डे कल का दिन आ ही गया है, तो जिसने अभी तक नहीं किया है तो मेरे हिसाब से कल का दिन देख ले और वेट करके चीज़ों को देख ले। बट जो कल कंसर्न बोला था वही मेरा आज भी कंसर्न है कि फॉर सम रीज़न INR इज़ नॉट कूलिंग ऑफ, तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो अग्री कि कहीं तो ऊपर बाजार में है प्रेशर तो है, अब कितना जल्दी उसको ओवरकम कर पाएगा ये कल मालूम चल जाएगा आई थिंक। सो ब्रॉडली वो थॉट है, और अब गोल्ड सिल्वर भी जिस तरह से घूमा है आई थिंक कमोडिटी स्पेस में भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड सिल्वर में भी अच्छे ट्रेड्स बनेंगे यहाँ पे, तो खाली पैसा कमाने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, आई थिंक प्रेशियस मेटल्स भी हैं जहाँ देखना चाहिए। तो आई थिंक आज का अपडेट मेरा वही है कि प्रेशियस मेटल्स के सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं और उन पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट रेट साइकिल अगर आती है, जो भी हाइक आती है उसके बाद जो फॉल होगा, आई थिंक गोल्ड सिल्वर में आखिरी करेक्शन अगर होना है तो उसी समय हो जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो चुका है। और अब नेक्स्ट 1 से 2 साल के लिए आई थिंक ये दोनों एसेट क्लासेस मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ओवर टू यू अमित। थैंक यू सर। सो विशाल भाई का व्यू हमने लिया नहीं था मार्केट पे, तो एक बार विशाल भाई का व्यू ले लेते हैं, एंड देन आयुष भी है। सो विशाल भाई, थैंक्स हिमांशु, थैंक्स। सो आई हैव अ लिटिल कॉन्ट्रा व्यू विजावी हिमांशु एंड किरिट भाई। तो आई फील मार्केट्स हैव टेकन अ पॉज फॉर अ मोमेंट। विशाल हो सकता है कि बिजी हो, तो गुलिन मैडम इतनी देर से वेट कर रही हैं। गुलिन मैम, if you have any views please unmute. hi good evening. I guess amit aapke audio mein shayad kuch error hai because Vishal was already giving a yes, view. yes so let's amit, let's hear what Vishal has to say. I'll go after him. okay I'll take it from here. Amit ka thoda sa problem chal raha hai, so Vishal bhai continue with you and then we'll take Gulin ma'am. Thanks, Himanshu. Thanks, Gurneet. So, I was saying that markets have moved from close to 15,200 levels to 18,600-17,000 levels. Neeche se kareeb 22-23% ki move aa gayi hai from the June lows. So, markets for me have taken a pause right now. Markets are taking a breather and waiting for the next trigger. Now, what happened, whether the trigger would be positive or negative, only time will tell. But currently, I personally don't see too much of correction or downside. I feel the downside for the moment is limited in the markets. So that's my view on Nifty. And so I am pretty bullish in terms of certain private sector banks. That's it. I won't be quoting the names of the bank for that matter. Baki Amit bhai, Himanshu bhai, yahan pe ek wo कुछ डेटा की बात हो रही थी FII को लेके, आई वाज लिसनिंग, तो एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं देना चाहूँगा विच वाज रिसेंटली आई वाज रीडिंग गोइंग थ्रू अ डेटा एवरेज डेली वॉल्यूम व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन इन द मार्केट्स देयर इज क्लोज टू 45% कंट्रीब्यूशन जो है रिटेल और इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से हो रही है। पिछले अगर हम साल दो साल की अगर हम डेटा को पकड़े तो एवरेज वॉल्यूम्स की अगर बात करें 45% इज कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेडर्स
close to 25% is coming from the prop book. FII contribution is only 11%. The other are DII kareeb kya kehte hain 7% ka contribution karta hai daily volumes mein aur corporates kareeb 5% ka volume karte hain. So what I am trying to make a point over here is we all take FII data very seriously. I think for me, I have not been tracking FII data for last, 24 months or something. And I think FII data track karne nahi karne se aapko bazaar ke andar position ka aapko koi farak nahi padega. For me, it is a non-event FII data. तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, आप आपके सिस्टम के ऊपर फोकस करिए. दैट वुड बी अ बेटर थिंग. दैट्स इट अमित भाई फ्रॉम मी फॉर नाउ. विशाल भाई, आपने हमारा विशाल मेरा एक सेकंड सर का पॉइंट रीकंफर्म कर दिया. एलटीसीजी तो बढ़ना ही है अब. आई वोंट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट. एंड अमित, जस्ट अ डिस्क्लोजर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग बीइंग डिस्कस्ड ऑन दिस स्पेस इज purely for educational purposes. तो किसी को भी कोई बाजार के अंदर पोजीशन लेना है, कृपया करके आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए. None of the speakers is responsible for any financial gain or loss if you take a position based on the discussions happening on this space. Thank you. Over to you, Gurli. विशाल, मेरी आवाज आ रही है? एक क्वेश्चन पूछना है तुझसे. हाँ जी अमित भाई, बोलिए. वो बजाज हिंदुस्तान अपने 50% एग्जिट मारा, तूने पब्लिक फोरम में 50% एग्जिट मारा, बाकी 50% का क्या करने का? अभी नीचे आए तो ऐड करने का. यस, तो जिसने भी लाइव स्पेस सुना था तो वही एडवाइस है, होल्ड करके रखिए. नीचे आएगा, जहां से वापस रिवर्सल दिखेगा, वापस उसी फोरम को टैग करके बोलेंगे आपको जाके चेक करना. लाइव मार्केट में दिया था वो 12 रुपए, 12.5-13 जो भी था, 13 से ऑलमोस्ट 17 गया. हम टॉप नहीं पकड़ पाए, हमारा काम टॉप बॉटम नहीं पकड़े. जैसे कि सर में अमित, सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट यू. आई डिडंट गिव एनी ट्रेडिंग कॉल ओवर हियर. 12.25 रुपए मैं ट्रेडिंग कॉल भी दिया था. इसके लिए मैं बता देता हूँ, मैंने ट्रेडिंग में चार्ट देखा, तूने बताया, मैंने चार्ट देखा, तुझे पता मैंने क्या क्वांटिटी मारा. तूने बोला 50% बुक कर ले, मैंने बटन दबा के बुक कर लिया. जहाँ बेचा उसके नीचे ही चल रहा है, तो मुझे तो कोई इश्यू ही नहीं है जिंदगी में, मैं तो खुश हूँ. तो ऐसे ढूंढ के लाया कर रोज. अपन रोज 2 दिन में, अगर 2 दिन में कोई मुझे 30% दे रहा है तो मैं काहे को दुखी रहूं जिंदगी में. मेरे एक ही ट्रेड ने बहुत पैसा कमा के दे दिया. सो ओ टू गुलिन मैम प्लीज, एंड देन वी हैव मंदोड़िया. हाय, गुड इवनिंग. So I guess we're talking about Nifty and Bank Nifty in general. So just a view around that, I completely agree with Vishal as he said that, you know, the downside looks limited for now. I mean, as far as Nifty is concerned, I guess that we have a support level pegged at around 18,420 levels. And even if, you know, that gets taken out on a daily closing basis, so it might be the case that we're probably headed towards 18,100 levels, as I guess even Himanshu was saying that, you know, the market can probably test 17,800 or 18,000, but going lower than that as of now doesn't really look, it doesn't really look that it's on cards as of now. And if we talk about Bank Nifty, so it has been, you know, in a range for a couple of trading sessions, like a very narrow range. And as we have an event lined up tomorrow, so generally when these kinds of ranges form up, so I guess all the technical analysts know that the move that comes is generally explosive in nature. So I guess that over here, whatever positions people have, they should consider proper risk management over here. And as for Bank Nifty as well, I guess the trailing EMAs can be looked at as support levels, which are around 42,650 and 41,800 for now. And the upper level of 43,340 can be looked at as a resistance level for Bank Nifty. That's what I have concerning Nifty and Bank Nifty from my side. आयुष,
Thank you so much. Regarding market view, I would second the thoughts that Gurleen and Vishal has given. I am personally am bullish on the market, and even today I have taken some positions. Specifically stock specific, I'm pretty more bullish rather than the Nifty and Bank Nifty, because I see Bank Nifty is in the range right now. However, what I see is yes, Vishal. Ayush, continue. In terms of Bank Nifty, I see major banks like HDFC and SBI trying to support the Bank Nifty. Even ICICI sometimes comes up randomly, even though the open interest right now doesn't support ICICI Bank, but HDFC Bank and a couple of other banks show a bit of resistance to go down. So which is something that makes me feel that Bank Nifty may go up. But again, I am more bullish on Nifty at this point of time because of stop loss of around 18,450 at the closing levels. Stock specific, I'm pretty bullish on a couple of sectors. Like sectors like FMCG, specifically in terms of FMCG. When I say it is more on the alcohol side, I like all the alcohol and beer stocks. So basically, whether it is UBL or USL, or whether it is Redington or Tilak Nagar Industries, everything on my radar since last 2 months, and I have been time and again saying that these stocks have some accumulation. Maybe whatever the reason may be, there may be some reason news which may come out sooner or later, which I'm not sure about. But charts at this point of time roaringly are saying a big buy. We all are bullish on alcohol for a lifetime. I don't know about lifetime, but at this point of time, chart says that. Not about stock, about the products. Product, definitely. But along with that, I also see some cool off in railway stocks, which seems to be a good opportunity if another 10% downside comes. We can accumulate as the budget is coming. These are some things that I'm closely keeping a watch on. PSU banks, again, I agree with Vishal that I am also tracking them very closely, and specifically small PSU banks are really outperforming. May it be IOB or Indian Bank, or maybe any smallest of banks are performing well. I also see a lot of accumulation of small banks like South Indian Bank and Maharashtra Bank, and even Yes Bank, for a matter of fact, recently has shown volumes. I'm not trying to recommend those at this point of time because I'm a bit nervous to trade these, because if you get stuck, you get stuck for a very long time. So I would not recommend any of these stocks, but one can think and take proper advice from their own financial advisor and take a decision on those. But regarding my personal view that I have given, and the stocks that I trade or I have given are something that is a personal view and nothing to do with any recommendations that I would put. Harsh, I think to your point only, I'm very bullish on PSU banks. Jitna bullish mein ho sakta hu na. किड्स सर नो इनको पर्सनल मैसेज लगा सर ये लिया किड्स सर को सर आपके चार्ट में क्या दिखता है आप जो फॉलो करते हो किड्स सर ने मुझे दो गाली दी कि मैं ना ये ₹5 10 वाले स्टॉक देखता भी नहीं मैं चुप हो गया ये किड्स सर यहीं पे हैं इनको पूछ लेना तो आज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है तो डजंट मेक्स अ डिफरेंस टू मी मैं तो एक बार पूछ लेता हूँ सर आपके चार्ट में आया कि नहीं आया कि मैं ₹5 वाला ₹10 वाला स्टॉक नहीं देखता This is his view. It is his technique. So I cannot comment on it. Yeah, so but I'm personally... I hold. I'm PSU Bank ka ETF. PSU Bank ka... I'm so much bullish that I see SBI in a year or two around 900 to 1200. I'm so much bullish.
मतलब यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज सेक्टर बैंक सो थिंक अबाउट इट एंड आई एम इवन बुलिश ऑन कैन बैंक एंड पी एन बी ऑल्सो रिसेंटली बिकॉज पी एन बी हैज शोन रेजिस्टेंस टू गो डाउन मतलब वो रिट्रेसमेंट देने को तैयार नहीं है 10% का इवन आफ्टर रनिंग फ्रॉम 32 लेवल्स अप्रॉक्सिमेशन टू 56 लेवल्स रिट्रेसमेंट देने को तैयार नहीं है स्टॉक मतलब कितना अंडर करंट है उसमें सो आई एम यू नो इन अ थॉट टू बाय लास्ट स्पेस में भी मैंने बोला था पी एन बी अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है आई विल बी अ बायर somehow a lot of NPAs have gone off the records and which seems like a bullish bet for long term not a short term bet I will again reiterate that is my view that I will not trade a PNB for a short term because these are things that you hold for a long time for 2-3 times the money that's how I trade even Union Bank I was shouting in some of the spaces at 36-37 and it went to 91 I guess yesterday so you know these are the kind of things that you don't really want to just take at 36 and sell it at 40 I would accumulate and keep it for 90 to 100 levels for just booking 50% and get my capital and profits home and keep the remaining free for whatever targets that I believe it may come So these are all trading strategies that I personally trade on. That's how I feel wealth is created, not by you know earning 10% from 36 to 40, just sell it and get into some other stock, make some losses. So at the end of the day, you will not make much money. Only your brokers will make money. So I personally believe if you want to create wealth with good you know. Amount of returns that you get may it be 6 months or a year or maybe may it be 2 years even if you get your money doubled in 2 years it is worth it because it is like you know 50% CAGR what else do you want I mean people rush after you know ki mahine mein 10 taka chahiye are mahine mein 10 taka agar har koi de deta mere ko koi de de yaar main stamp paper pe likh ke de de kal paisa de dun to mera मेरा पक्का मैं इस टाइम पे लिख के दे देता हूँ कि मैं 10% तो ना बनूंगा 10% पक्का लॉस कर सकता हूँ ना आई थिंक अमित भाई फैबुलियो नहीं है बट आई थिंक पीएसयू बैंक्स का रैली जो आरबीआई का गाइडलाइंस आया भी है जो भी इसके केस में आया आईडीएफसी के केस में आई थिंक सॉरी आईडीबीआई के केस में तो आई थिंक कि जो पुराने बैंक्स हैं उनमें 51% फॉरेन होल्डिंग हो सकती है सो ये अगर बाकियों पे भी अप्लाई हुआ तो आई थिंक दैट इज द अंडर करंट probably going on और रैली चल सकती है PSU banks का reversal जो है definitely I think Favilio will be the better बड़ा reversal है सर्वेंद्र भाई मतलब मैंने जब अगर किसी को याद है 2016 या 14 में जब भी वो हुआ था 20% upper circuit सब PSU banks में लगी थी जो undercurrent तब था ना वो undercurrent मुझे अभी दिख रहा है exactly so that is what I'm saying Favilio should be, dig into this and see if that is applicable to all these banks also क्योंकि आरबीआई ने बोला जो भी पुराने बैंक्स हैं उनमें उनमें वो नया वाला क्लॉज नहीं लगेगा कि फॉरेनर्स कैन नॉट होल्ड बियॉन्ड 51% बियॉन्ड 49 तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि यही सारे पुराने बैंक्स फिर गोरे के टारगेट में यही सारे बैंक्स होंगे जहां पे वो 51% गोरा भूल जाओ सर्वेंद्र भाई गोरा भूल जाओ अपने पास दो ही गोरे हैं अभी एक अडर नहीं है सारे बैंक्स को नहीं 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 अभी 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 पीएसयू बैंक्स का जो अभी डेफिनेटली सेल तो होगा ही सर्वेंद्र भाई मैं सिंपल बोलता हूं I don't believe in news. मेरा प्राइस का चार्ट मुझे बोल रहा है कि भैया यहाँ से मुझे 100% अपसाइड PSU बैंक के इंडेक्स में दिखता है। बिल्कुल, that is what I was saying कि ये बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। मैं भी वही बोल रहा था कि ये बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है और जैसे कि अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि PSU में जिन्होंने पोजीशंस बनाई हैं, I think कैपिटल निकाल ली तो जब निकाल ली बाकी प्रॉफिट्स को छोड़ दो आई थिंक यू कैन गेट फैंटास्टिकली रिवॉर्डेड दैट्स हाउ यू ट्रेड राइट दैट्स हाउ यू क्रिएट योर वेल्थ मैं तो हमेशा टीवी पे यही बोलते रहता हूँ अगर डबल से पेट भर गया है तो कैपिटल निकाल लो और बाकी शेयर फ्री हैं अगर स्टॉक में दम है और स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो उसको छोड़ दो मरते दम मेरा स्टॉक 2.5-3 गुना होता है मैं अपना कैपिटल और प्रॉफिट निकाल के छोड़ देता हूँ बस एग्जैक्टली अपने बच्चों के नाम छोड़ दो नहीं तो अपने नाती पोतों के नाम छोड़ दो अगर अच्छी कंपनी है और 20 साल सर्वाइव हो गई तो मल्टीबैगर रिटर्न्स बन जाएंगे ये सब को ज्ञान अपने लिए छोड़ दो दूसरे के लिए छोड़ो ओ भाई चंदन है चंदन गो अहेड या अमित भाई थैंक यू अभी मैं सुन रहा था मंदी बोल मंदी 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 करनी है तू मंदी आ जा नहीं नहीं मंदी करनी नहीं है मैं तो बस एक बात बताऊं निफ्टी के लास्ट 5 दिन का चार्ट देख के
एक भी दिन तेजी किसी ने करी है तो क्यों करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी अगर निफ्टी का पांच दिन लास्ट के फाइव डेज चार्ट देखोगे ना तो उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि बाजार बोल रहा है कि एवरी डे मार्केट इज मेकिंग ए न्यू लो, तो फिर क्यों तेजी करनी है यहाँ पे। एक दिन तो मार्केट को हायर लो बनाने दो, इस भाव पे तेजी करने के लिए कोई कोई तो लॉजिक होना चाहिए। मार्केट इज निफ्टी इज मेकिंग एवरी डे न्यू लो। लेट्स टॉक अबाउट पीएसयू एंड बैंक्स। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट है चंदन भाई रिगार्डिंग निफ्टी। क्या प्लीज गो अहेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 622 का भाव निकाले हुए उसको 15 दिन 20 दिन हो गए, वापस तीन बार टच किया निकाल नहीं पाया। आईसीआईसीआई बैंक हाई से 30 रुपए नीचे चल रहा है। एक्सिस बैंक हाई से 50 रुपए नीचे चल रहा है। HDFC बैंक 1640 का भाव निकाल नहीं पा रहा है, वापस 1600 के रेंज पे अटक गया है, 1600 के भाव पे चिपक गया है। देन कमिंग टू बजाज, बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस आप स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर खराब हो चुका पूरा, उसमें तेजी करने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। रिलायंस, आज रिलायंस ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो ऐसा क्या चीज है जो जिसकी वजह से हम मैं यहाँ पे तेजी करूंगा, मुझे तो कोई एक भी चीज नजर नहीं आती। जितना मैंने मैंने शायद मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का कम रहता होगा, बट मुझे यहाँ पे इस भाव पे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जो यहाँ पे मैं फ्रेश लॉन्ग करूँ। लॉन्ग्स काट के शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट पे पोजिशनल में मुझे कन्वेक्शन ज्यादा नहीं आ रहा, बट यस स्कॉल्पिंग करके कुछ ना कुछ करके दो पैसे बना लेते हैं, कहीं ना कहीं कृपा कर जाते भगवान तो कुछ पैसे बन जाते हैं। स्टिल कुछ ना कुछ शॉर्ट कैरी करता हूँ। इंडसइंड बैंक 1255 का हाई लगाया था, 1245-55 का, डेढ़ दो महीने पहले, वो हाई के पास भी नहीं जा पाया, 1205 नहीं निकाल पा रहा इंडसइंड बैंक। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आपको दिख रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस एफएमसीजी सेक्टर, ऐसा कौन सा, एफएमसीजी इज डिफेंसिव, ऐसा कौन सा सेक्टर है बैंक्स में या रिलायंस में या यस कि जिसमें हम लोग देखें कि भाई बाजार अभी अभी ब्रेकआउट हो रहा है, अब चलेगा ये सब कुछ। पीएसयू बैंक का बैंक इंडेक्स का चार्ट देखो, ऊपर से एग्जॉशन दिख रहा है, क्लियर एग्जॉशन दिख रहा है। तो मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे तेजी करने के लिए कि यहाँ पे तेजी करनी चाहिए। बुल मार्केट की खासियत होती है कि जो ऊपर से मंदी समझ में आने से पहले ना वो 400 500 600 पॉइंट टूट चुका होता है, उसके बाद जो एग्जिट नहीं मिलता। तो मार्केट शायद उसी पैटर्न में है। मैं अभी भी बेरिश फुल एग्रेसिव बेरिश नहीं हुआ हूँ, टाइम लगेगा उसके लिए। 17900 का भाव तोड़ेगा तब जाके मैं भी बोलूंगा कि हाँ मार्केट हो गया, ठोको पूरी ताकत से ठोको, अभी टाइम है। बट मार्केट का रिटेस्ट 18350 18000 17950 18100 ये भाव तो बाजार आ सकता है ना। तो इस 600 पॉइंट की करेक्शन में स्टॉक्स तो 10-12% हल्के हो जाएंगे। तो यहाँ इस भाव पे तेजी करने का तो मुझे कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे तेजी क्यों करनी चाहिए, या जो भी तेजी कर रहे हैं यहाँ पे आई डोंट नो, सबका अपना अपना सेटअप होता है। मेरे सेटअप में जहां मुझे समझ में आता है, निफ्टी का चार्ट देख लो, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो, ऊपर के हाई को निकाल ही नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी। द मोमेंट इट्स वायलेट दिस 42880 लेवल, मैं वहां से एग्रेसिव शॉर्ट जाऊंगा। अभी वो भाव निकाला नहीं है मार्केट। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, अभी क्या मतलब लेस वीकर देन निफ्टी, नॉट स्ट्रॉन्गर बट लेस वीकर देन निफ्टी। निफ्टी तो डेली लो लो बना रहा है, बैंक निफ्टी बचा हुआ है अभी, शायद क्या रीजन था क्यों बचा हुआ है। जब वो भाव तोड़ेगा तो फिर तो बाजार कहीं तो बेचना पड़ेगा ना, कहीं तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा ना। अगर आप हर भाव पे लेते रहोगे तो फिर बेचोगे कब। चंदन भाई वेरी 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 वैलिड पॉइंट, मतलब और बिना बेचे तो अभी हिमांशु भाई पैसा बनता नहीं है, पैसा बनाने के लिए बेचना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ वो मतलब वो व्यू पॉइंट वही है ना, आपने एक लॉजिकल पॉइंट पुट ऑन किया है, मतलब आप ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे, मतलब आपने पूरा चार्ट के बेस पे बिल्कुल लॉजिकली समझाया है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। बट उसमें ऐसा है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा, आपने ये भी खुद भी ये बोल दिया कि भाई मैं बहुत ज्यादा बीरस नहीं हूँ, मैं एक लेवल तक हूँ, उस लेवल को अगर डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक करेगा तो मैं अल्ट्रा बीरस होऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, बात इतने टाइम से यही हो रही है। यस क्रिएट सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस। आई थिंक ही इज बिजी, बट इसमें एक चीज और बोलूंगा मैं, खरीदना नहीं है
इसका ये मतलब नहीं होता आप शॉर्ट कर दो या बेचना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लॉन्ग कर लो। यहाँ पे मैं अगर मैं बोलता हूँ कि एग्रेसिव या पोजिशनल शॉर्ट नहीं जाना, इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं खरीद के बैठूंगा, क्योंकि खरीदने के लिए कुछ तो लॉजिक चाहिए होता है। निफ्टी 5 दिन से डेली लोअर लो बना रहा है, क्यों खरीदूंगा मैं? चंदन भाई बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है, सही है। तो आप और मैं एक पेज पे भी रहते हैं कभी कभी, तो थॉट यही है। मैंने भी अभी यही बोला था कि मॉडरेट कल भी मैंने वही बोला था कि जो मॉडरेट से लो रिस्क ट्रेडर है उसको तो बाहर बैठ के देखना चाहिए कि ब्रेकआउट कंफर्म हुआ कि नहीं। ओनली फॉर द हाई रिस्क ट्रेडर, जब लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि आप लेंगे क्यों, एंड दिस इज ओनली फॉर द हाई रिस्क ट्रेडर। जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए है ये कि जब ब्रेकआउट के पिछले ब्रेकआउट के आसपास आके भी आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली कि 5 दिन से लोअर लो बना रहा है, लेकिन लास्ट 3 दिन से आप ये भी देखो 16,800, 18,650 उस एरिया में जहाँ से ब्रेकआउट किया था उसके आसपास आके सारे इंट्राडे लोज भी वहीं पे बन रहे हैं। तो फॉर द रियल क्विक ट्रेडर कि जब आपने हाई ब्रेकआउट करके हाई का रिटेस्ट किया है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक लॉजिक बनता है कि आप एक बार डेफिनेटली एक छोटे स्टॉप लॉस से एक ट्रेड डाल के लॉन्ग साइड का देखेंगे, और डेफिनेटली अगर आपका सेटअप अच्छा पकड़ा है आपने तो मेरे हिसाब से 400-500 पॉइंट या 18,900 से 19,200 तक का रेंज बन सकता है। एंड आई वुड अग्री कि बड़े बड़े सेल सिग्नल्स और फेलियर के साइन तो तभी आएंगे जब 18,450, 18,400 डिसाइसिवली टूट जाएगा, वहाँ से तो डेफिनेटली ये फॉल्स ब्रेकआउट का लेबलिंग इसकी बन जाएगी और उसके बाद पिटाई भी बहुत स्पीड से हो सकती है। बट जब तक वो सिनेरियो बिल्ड हो नहीं जाता तब तक एक फ्रेश ब्रेकआउट को थोड़ा पॉजिटिवली देख लेने में भी कोई हर्जा नहीं। अग्री आपसे मैं, बट एक ब्रेकआउट को वापस रिटेस्ट होने के लिए, ब्रेकआउट का बॉक्स ब्रेकआउट था 420 का, हायर ब्रेकआउट था 350-352 का, तो 350-420 के रेंज में बाजार आए वहाँ से घूमे तो समझ में आता है कि हाँ लॉन्ग करने के लिए कुछ बन रहा है। एक लोअर लो का पैटर्न इन्वैलिड करे पहले तो, कि हाँ लोअर लो बनाना बाजार बंद करता है, 350-420 का भाव लगाता है और वहाँ से लोअर लो बनाना बंद करता है, तो शायद एक बार लॉन्ग कर सकते हैं, मैं भी करूँगा शायद वहाँ पे लॉन्ग, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आ जाएगा। बट 600 के भाव पे, 700 के भाव पे तो ना ही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए, ना ही कोई सेटअप मेरे जो मैंने सेटअप रूल्स बनाए वहाँ पे ना ही मुझे सेटअप परमिट कर रहा है, ना ही मेरे रिस्क रिवॉर्ड परमिट करता है कि मैं यहाँ से लॉन्ग जाऊँ। यहाँ 350-420 में बाजार घूमता है, रुकता है, लोअर लो का फॉर्मेशन बंद होता है, एटलीस्ट पहले वो बंद हो जाए, लोअर लो से एक नया हाई बनाए, प्रीवियस डे से बाजार का नया हाई बने कम से कम, उसके कम का एक हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन बनाए, तब तो समझ में आता है कि हाँ मैं यहाँ पे अब रिस्क रिवॉर्ड बनता है कि मैं एक लो लेके का स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग डालू जाऊँ। बट अभी तक तो वो फॉर्मेशन कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता कि पुराना हाई छोड़ो, एवरी डे मार्केट इज क्लोजिंग बिलो प्रीवियस डे लो, एवरी डे मार्केट इज मेकिंग लोअर लो, एवरी डे मार्केट इज मेकिंग लोअर हाई। तो ऐसे सेटअप में फ्रेश लॉन्ग करना मुझे तो, मैंने तो सीखा नहीं 20 साल में कि ऐसा करके पैसा बनाया कभी मैंने। ऊपर से जब मैंने 5-6-8-10 लीटर बता दिया, मैंने आपको HDFC ट्विंस बता दिया, मैंने बजाज ट्विंस बता दिया, रिलायंस बता दिया, स्टेट बैंक बता दिया, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये तो मार्केट के लीडर्स हैं। इनमें से कोई भी स्टॉक क्या आपको लगता है बाबू हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है? अभी आधे उसमें से आधे स्टॉक तो काफी दूर है, आधे 2-3% दूर है, कोई 52 भी हाई को तोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैं किस लिए जाके मैं लॉन्ग कर लूं? इसलिए कि सब लोग बुलिश हैं कि बाजार तेज हो जाएगा, मैं लॉन्ग कर लूं? बिल्कुल नहीं। मैंने वही तो आपको बोला कि अभी आपका नजरिया जो है वो ये है, और मैं तो 18,600 वाला ब्रेकआउट देख रहा था इसलिए मैं 18,600 का ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, आप 18,450 वाला लोअर हाई वाला ब्रेकआउट देख रहा हूँ, मैं ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट से बाजार का ब्रेकआउट बोल रहा था। तो मेरा थॉट ये था कि भाई उसके आसपास जब आता है और इंट्राडे में भी मुझे बार बार वहाँ पे सपोर्ट्स दिख रहे हैं तो, और मुझे रिलायंस में भी नीचे से इंपल्सिव सेटअप्स दिख रहे हैं, तो यस आई विल सी। नेक्स्ट 2-3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, कल का रिजल्ट का दिन भी क्रिटिकल है, वॉलेटिलिटी भी बहुत रहेगी, सो यू आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। आई एग्री विद यू कि बाजार बहुत थिन है, ब्रेथ बहुत थिन है ब्रेकआउट में, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है। बट कई बार हमने देखा है कि ब्रेथ पीछे से 2-4 दिन के बाद पकड़ लेती है, तो वो 3-4 दिन का टाइम ही देना है बस बाजार को, बाजार के पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू कन्फर्म विद ब्रेथ। इट हैज़ मे बी, अब कल का दिन तो जाने देंगे क्योंकि इवेंट है, बट या by Friday or Monday if the breath is not picking up and the market is not holding these levels, so yes, this breakout could end up being Sarvinder sir, sorry, aapko aisa lagta hai BJP winning Gujarat tomorrow is a non event, wo event kaise hogi? Agar BJP lose kar degi to wo ek event ho sakta hai, but market are far side, to unhone pehle hi digest kar liya hoga na sir isko? नहीं, बात सही है, इवेंट तो इवेंट ही है, देखिए उस दिन की वॉलिटिलिटी मुझे देखनी है। मैं इवेंट को हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि हो जाने दो, बाजार को पचा लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 200 पॉइंट नीचे निफ्टी फिर लिया या 200 पॉइंट नीचे आपने बेचा या 200 पॉइंट ऊपर बेचा,
वॉलेटिलिटी रहेगी, उसमें क्या होता है दोनों बाजू स्टॉप लॉस कट जाते हैं. नोबडी शुड फॉरगेट लास्ट टाइम क्या हुआ था गुजरात इलेक्शन में, 300 नीचे करके 400 ऊपर खींच के दिन की रेंज ही कुछ 800-900 पॉइंट की बना दी थी. सो इट कुड बी अ वेरी हाई रेंज डे एंड इमोशनली चार्ज डे. उस दिन में कूद के कुछ करने में आई थिंक हाथ जल गए और वो पैसे लग गए तो फिर क्या है माइंड आपका, मैं कहता हूँ पैसे लग जाते हैं ना तो एक दो दिन के लिए आपका माइंड सेट भी गड़बड़ा सकता है, तो एक अच्छा ट्रेड छूट सकता है. सो आई थिंक आई विल वेट. मुझे आप पजल ही पूछेंगे तो यू विल वेट फॉर अ कन्फर्मेशन. या अगर आपके पास किसी के पास शॉर्ट चल रहे हैं तो आप हेज चल रहे होगे, किसी के पास लॉन्ग चल रहे हैं तो भी आप थोड़ा ऑप्शन में उसको हेज करके चलोगे. तो क्या है एक सैनिटी दिमाग की बनी रहती है, क्योंकि बड़ी वॉलेटिलिटी में क्या होता है अगर बड़ी पोजिशन है तो इट्स वेरी ईजी टू लूज द प्लॉट. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इवेंट में खड़े भी रहना है तो डेफिनेटली थोड़ा कॉस्ट भर दो, थोड़ा हेजेस ले लो, बट इट विल ऑलवेज पे ऑफ फॉर योर मेंटल हेल्थ. थोड़ा लाइफ लॉन्ग बाजार में थोड़े थोड़े हेजेस लेने में ऑप्शन में कोई कभी हर्जा नहीं होना चाहिए. इट यू शुड टेक इट एज अ पार्ट ऑफ एज अ कॉस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग. अगर आप साल का 25-30% बना रहे हो और 1-2% आपके हेजिंग कॉस्ट जा रहा है तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू ब्रीथ प्रॉपर, इट हेल्प्स यू बी प्रॉपर, इट हेल्प्स यू विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और बहुत सारी आपके डिसीजन फिर अच्छे जाते हैं. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू दैट आल्सो इन सच सिचुएशंस. परफेक्ट सर, पॉइंट वेल टेकन. सो अमित, अगर कनेक्शन वापस हो गया हो तो यू वांट टू ऐड टू समथिंग? मेरा तो सिंपल व्यू है, मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज गोइंग टू 19,500. दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन फेस, सिंपल है. 18,500 के नीचे सस्टेन करेगा मैं मेरी जितनी पोजीशन काट दूंगा, लॉस बुक कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होगा उसमें से. बट अगर 18,650 के ऊपर ट्रेड किया कल, मैं वापस वही अग्रेसिव बुलिशनेस के साथ जाऊंगा विद द सेम टारगेट, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा रख के जाऊंगा. पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा. इंट्राडे में कल क्या होगा ये तो अगर क्रेडिट सर का सिस्टम या चंदन का कोई सिस्टम या किसी का सिस्टम प्रिडिक्ट कर सके तो बेस्ट हो जाता है. हम प्रिडिक्शन के गेम में है ही नहीं, हम एक गेम के प्रोबेबिलिटी वाले गेम में. तो फॉर मी गुजरात इवेंट इज नॉन इवेंट, एब्सोल्युटली अग्रीड विद यू, बिकॉज मार्केट हैज डिस्काउंटेड दैट बीजेपी इज कमिंग. अनलेस अ नीड रिएक्शन कम्स, कि मतलब अगर कुछ उल्टा हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप 50 सीट जीत जाता है, कांग्रेस 50-60 सीट जीत जाता है, दोनों मिलकर कुछ गवर्नमेंट बना ले, पक्का मार्केट का कल गुड बाय टाटा हो सकता है. जो अपने एक मीम्स देखते थे ना, वीएन नहीं है मेरा भाई वरना वीएन को मैं बोलता, वो मीम कल मोदी साहब के लिए चल जाएगा, गुड बाय टाटा हो गया. अब कल का इलेक्शन क्या रिजल्ट देगा मुझे नहीं पता. तो सुबह एटलीस्ट 10 से 11 बजे तक कहना ट्रेड मत करना. आप प्योरली इंटर, मैं भी इंट्राडे ट्रेडर होता हूँ, चंदन स्कैल्पर होता, मैं भी स्कैल्पर होता हूँ, हमें स्कैल्पिंग में बहुत मजा आता है. उसमें ऐसा है कि मेजोरिटी तो फैक्टर्ड इन है, अब वो किस मार्जिन पे बीजेपी सीट्स लाएगी, मतलब आई एम अज्यूमिंग, मैं ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी तो बीजेपी की आनी है. पर अब वो जो एग्जिट पोल में जो डेटा है उसको मार्केट ने कैसा डाइजेस्ट किया है, उसके बाद अगर उसकी एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो वो भी एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है. लास्ट में एक ही चीज है भाई, गवर्नमेंट बन रही नहीं बनी, गवर्नमेंट बन रही 5 साल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, लास्ट में कोई भी जाके 5 साल की स्टेबिलिटी है कि नहीं. अरे अमित भाई तो गवर्नमेंट तो बना देंगे कहीं पे भी, आप भी अमित हो, एक अमित भाई वहां पे भी बैठा है, तो दोनों बना देंगे कैसे भी. तो लास्ट में कौन? अमित. मजाक कर रहा हूं, दैट वाज जस्ट अ जोकिंग पार्ट, नथिंग मोर देन दैट. बोरिंग नहीं होना चाहिए स्पेस, एकदम सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. सो किसी और को कोई व्यू पॉइंट हो तो आई हैव एडेड टू एक तो नासर भाई है, नासर खान भाई है एंड पीके. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि चांस मिला फाइनली, आई हैव बीन ट्राइंग सो लॉन्ग, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेंसिबल टॉक्स होती हैं. स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव कुडोस टू अमित भाई, बहुत अच्छी बात होती है. शरद सर नहीं है, उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, एंड क्रिस सर को भी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वेरी इनसाइट टुवर्ड्स मार्केट. मेरा यही था सर कि अभी आई वॉज प्रेटी मच इन लाइन विद दिस guy who have been talking about Sharvinder bhai and the opponent, I missed on the name. So
यही है सर, थोड़ा ना थोड़ा हाँ सर सर आई एम जस्ट कंक्लूडिंग हमारा व्यू होता है वो उस व्यू में शरद सर से बिठ जाऊंगा, सर्वेंद्र से बिठ जाऊंगा, व्यू है हमारा यार, हमारा व्यू है, तो हम दुश्मन नहीं एक दूसरे के, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, हम एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते, एक दूसरे को बहुत प्यार करते, वो व्यू है। बहुत अच्छा लगा सर, मैं भी सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर रखा है काफी टाइम से, तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन ट्विटर, तो लेकिन आप लोगों के स्पेस में आके ना लगता है कि हाँ कोई बंदा, कोई कुछ लोग हैं जो सेंसिबल टॉक्स करते हैं। तो सर थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में भी अगर हम बात करें ना, रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसमें जो है ना, माई की टेक अवे फ्रॉम यू गाइज इज के हम थोड़ा साइकोलॉजी पे भी बात करें, स्पेशली रिस्क रिवॉर्ड्स वगैरह पर। नासिर भाई, इसके लिए हम एक अलग से स्पेसेस करते हैं, अमित को अगर आप फॉलो करते हो हाँ। तो वीकेंड्स पे हमारे दो डॉक्टर साहब हैं, दोनों साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो वीकेंड्स पे कभी कभी होता है, मुझे नहीं लगा इतना टाइम मैंने फॉलो नहीं किया, पर वीकेंड्स पे एक ऐसा स्पेस होता है जो मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड होता है, पूरा उसी पर ही फोकस्ड होता है भाई आप जी। तो अगर आप अमित की प्रोफाइल पे फॉलो करेंगे, उसका वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, तो इसमें मैं उनका भी नाम लेता हूँ, दोनों आज स्पेसेस में है नहीं, एक तो डॉक्टर रवि हिरानी है, एक डॉक्टर आशुतोष सक्सेना है, आप हमारी किसी की भी फ्रेंड लिस्ट में देखेंगे तो वो दोनों होंगे, उनको आप फॉलो कीजिए, अगर पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा इंसाइट दे सकते हैं, और करिए तो आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए सर, बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों को, मतलब मौका दिया बोलने का। नो नो प्रॉब्लम सर, ना सर भाई। हिमांशु सो क्रेडिट, यस सर क्रेडिट सर, कैन आई ऐड अ पॉइंट आई थिंक? यस सर सर, प्लीज गो अहेड, गो अहेड सर। यू नो आई हैव बीन लिस्टिंग मेनी टाइम्स की इवेंट है तो आप आ रही है, तो मुझे कोई अगर ये गणित समझा सके कि साल के 8 से 10 बार डाओ की मीटिंग होती है, 4 से 6 बार आरबीआई की मीटिंग होती है, यू हैव म्युनिसिपल इलेक्शंस, यू हैव लोकल इलेक्शन, यू हैव ग्लोबल इवेंट्स, तो बाय दैट डेफिनेशन इफ यू स्टे अवे देन आई थिंक एवरी फंड मैनेजर शुड बिकम एन इंट्रा डे ट्रेडर। व्हाई आर वी स्केयर्ड वी हैव आवर ओन रिस्पेक्टिव ओपिनियंस कि ऐसा जाएगा वो जाएगा। And what if you're on the right side of volatility? That's my question. Volatility kills, I can understand. But what if you're on the right side of the volatility? You will be killing money. So, कोई fund वाला भी ये बोलेगा आज बहुत बड़ा event है, Dow का event आ रहा है, अपना US का Fed का event आ रहा है, या European Union का event आ रहा है, या China is opening. I mean, you have news floating 24/7. See, the longer the time frame, you may have a chance, may the inverted comma, that you may make money. The shorter the time frame, it is very difficult. I mean, statistically, it's been a proven thing that less than 0.5% intraday traders make money annually year on year. So, you know, I have never been, I mean, I always have this thing that why should one stay away from an event? Anything can happen. And see, markets are forward discounting mechanism. Prices move first, reasons follow later. Anything can happen tomorrow. If you're on the short side, you'll make killing money. If you're on the long side, if you're on the long side, you could get killed or maybe you could make killing money. But then again, it boils down to the question is, if the market has factored, then the market should, maybe the market has already factored the Gujarat mini or whatever. So coming back in same boils down is the surprise side is going to make the big money. So I think this misconception has to be taken out, and I think problem ye hota hai, if you don't understand the range of the market, aaj jaise 200 low volatility mein 200 point ki range hai Nifty ki, between 160 and 180. Abhi aap 30 point mein leke chaloge, to obviously I mean your chances of being blown out is 6 times more, 13 to 6 is 180. If you are lucky, then you could make a killing, but that probability is very low. If you have that mental frame of mind where I'm okay to take 3 losing trades in a row, I'm waiting for the
one big, you know, home run trade, to baat alag hai. But I think this is a misconception. You should just go with the flow. I mean, know your risk, know how much you can lose, and know the volatility. That's my belief. Thank you. Hello. There's no right side on the volatility. By volatility, what I meant was a volatility that chops you out both sides and goes more than the ATR. So, such days are the bigger events are maybe 4-5 events. And only for the intraday traders, we say that you stay out. If you have already positioned yourself in advance and you are, say, 4-5% in the money on either side or a long or a short trade, and you will not be worried about a 2-time ATR, then no problem. Then if you already have positioned, you should be in the trade. But what I was saying that on that day particularly, and especially for the intraday traders, as you are saying, it's better to stay out and just wait out the event. If you are not already positioned and not already in a 3-4, at least 2 times ATR, if you are not in the profit, you should stay out on event days and bigger ones like 4-5, maybe the quarterly Fed meetings, you can definitely avoid. And those would be eight-odd sessions, including the Fed and the RBI. I don't want, for that 8 days, if someone is out on the intraday trade and couple of big events like an election or something, I think 8-10 days, if you don't trade in a year, especially the intraday guys, it does not matter much, because volatility chops you both sides, long short both. Correct. But my disagreement here is, what is the objective of an intraday trader? He goes from long to short, short to long. Unlike a positional trader like me, who would hold on to a trade, you know, trying to encash the milk as much as he can. So if you're, I mean, kitna lamba khada rakha, his only objective is by 3-3:15 he has to cut his trade. Sir, you have to go and look at the candle of the last election, firstly. And as you rightly said, intraday scalping is the most difficult thing. You don't have margins, too much margins, in the sense to get blown out 2-3 times in a day. Long, I think first you go long, you get a stop loss. You go short, you get a stop loss. Correct. I think when it comes to intraday scalping, let's ask the expert Chandan what he has to say. He does it very nicely. So let's hear his opinion. Because I'm not an intraday trader, but I hear the statement very often. Chandan ji, kya bolna hai aapka? सर इंट्राडे इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम सर. आपके ट्रेडिंग स्टाइल और इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल दोनों अलग होती है. मैं ट्रेड करता हूँ 50 पॉइंट के लिए, 100 पॉइंट के लिए. अगर मेरा ट्रेड फेवर में आता है एंड तक, तो मैं कुछ परसेंट बुक करता हूँ, ट्रेड को कॉस्टली बनाता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ और ट्रेड को रन करता हूँ. मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सर एज अ ट्रेडर, मेरा मैं क्या करता हूँ, इंट्राडे ट्रेड करता हूँ. वो ट्रेड अगर फेवर में आ गया तो वो मेरा स्विंग बन जाता है, अगर वो बहुत फेवर में आएगा तो पोजिशनल बन जाता है. तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल तो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है मार्केट में. ऐसे ट्रेड मुझे लोग बेवकूफ बोलते हैं, क्योंकि पागल है लोग ट्रेड पहले प्लान करते हैं. मैं पहले स्कैल्पिंग ट्रेड डालता हूँ, वो फेवर में आ गया तो स्विंग बन जाता है, वो स्विंग फेवर में आ गया तो पोजिशनल बन जाता है. जब तक नहीं तो स्कैल्पिंग करते रहो. 50 रुपये मेरा टारगेट होता है, 50 रुपये कमाने का. मैं 50 रुपये दिन में 2 बार कमाता हूँ, 100 रुपये होता है महीने में, 22 ट्रेडिंग डे होते हैं, 22 में से अगर 17 दिन कमाए, 5 दिन घटाए, तो 1200 रुपये बना लेता हूँ. मैं बहुत खुश हूँ 1200 बना के. 1200 इंटू अगर 10 साल में 10 महीने भी काम किया ना, तो 1200 पॉइंट होते हैं मेरे को. शायद मैं पोजिशनल काम करके 1200 पॉइंट नहीं बना पाता. तो इंट्राडे ट्रेडिंग का काम करना बड़ा ही अलग तरीके का काम होता है. वो मुझे लगता नहीं है कि उसमें काम करने से. बट मेरा सवाल ये है, क्या आप इवेंट के दिन बाहर रहोगे बाजार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर. मैं तो इवेंट में वोलेटिलिटी में सबसे ज्यादा काम करता हूँ. मेरा आज का दिन था, मेरा आज का दिन पिछले लास्ट के 7 दिनों में 8 दिनों में सबसे बेस्ट दिन था. आज में जितना पैसा मैंने आज बनाया, उतना पैसा मैंने पिछले 7 दिनों में नहीं बनाया था मैंने. सर जस्ट टू ऐड व्हाट चंदन इज सेइंग, सिंपल ऐड करता हूँ उस पॉइंट को. स्कैल्पिंग आपको बताया मैं किस लेवल की करता हूँ. मैं तो इंडिविजुअल स्टॉक में जाके करता हूँ, ठीक है. तो स्कैल्पिंग का एक अलग माइंडसेट होता है, इन्वेस्टिंग का अलग माइंडसेट होता है, स्विंग ट्रेड का अलग माइंडसेट होता है. कि भैया मुझे इसमें 100 पॉइंट मिल सकता है, मिल सकता है. आप बोलते हो ना, तू टारगेट क्यों निकालता है, कि मुझे क्या दिख रहा है उसके हिसाब से मेरा पोजिशन एडजस्टिंग बनूंगा. जो आप हमेशा हमें सिखाते हो कि भैया तेरा रिस्क क्या है, कितना कैपिटल तेरे दाव पे लगा है, 1% लगा है तो मैं 1% पे खुश हो जाता हूँ. 1% का स्टॉप लॉस आता है ना, या 1.5% का, 2% का मैक्स. सर मेरा बटन दब जाता है, 2% आएगा तो मैं तो एक मतलब आधा भी जाता है ना, तो मेरा है ना
धक धक करने लगते तो भाई आधा जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है, मुझे तो वहां फियर, मेरा अगर वो 5% चल गया ना मुझे उसमें कोई खुशी नहीं है, मेरा जो आधा जा रहा है ना मुझे उसमें क्यों, भैया पैसा है गवाने का नहीं, या है पैसा कमाने के लिए। तो सर हमारा तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि इंट्राडे है, प्योर स्कैल्पिंग मार रहे, ट्रेड फेवर में चलता रहा, तो मैं उसको स्कैल्प कर कर करके क्योंकि हम बहुत सारी स्कैल्पिंग करते रहते पूरे दिन, अगर फेवर में आया, अब लास्ट 4 दिन से तो गलती से एक दिन ऐसा मिला था जब स्कैल्प मार लिया, आज स्कैल्प भी मारे तो लॉस देखे गया, चंदन ने पर्सनली कमाया, मैंने पर्सनली लूज किया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर वो माइंडसेट जो है ना इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग मारने जाते हैं, वो 5-15 मिनट का जो हम चार्ट पकड़ते हैं, और जब मैं मंथली चार्ट भी पकड़ता हूँ तो मेरे तो दो टाइम में कोई बोलेगा तो 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा और फिर मंथली चार्ट की बात कर रहा भाई, भैया मंथली चार्ट का कुछ अलग सेटअप है, डेली चार्ट का कुछ अलग सेटअप है, 5 मिनट का कुछ अलग सेटअप है। तो सेटअप आपका अगर एक ही है, याद है सर फर्स्ट बार आप मुझसे मिले थे कि तू क्या करता है, मैंने बोला था सर मेरा सिस्टम एक ही है हर जगह, कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ोगे 5, 15, आर्ली, डेली, वीकली, मंथली, मेरा सब में सेटअप एक ही है, मेरा इससे ज्यादा कुछ सेटअप ही नहीं जो पब्लिक फोरम में ओपन है। फिर मैं गारंटी देता हूँ उस सेटअप से कोई पैसा नहीं कमा सकता, कारण सिंपल है कि मैं डिसिप्लिन से फॉलो करता हूँ, मेरे रूल्स डिफाइन है उसमें कि मुझे कितने बजे ट्रेड लेना है नहीं लेना, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सर आपने मुझे एक चीज सिखाई थी कि 52 हाई बाय कर, मुझे आज भी याद है मजगांव डॉग आपने मुझे बोला था, मैं तो बहुत लेट एंट्री हुआ, इसके बाद भी उसने मुझे बहुत बड़ा पैसा दिया, ठीक है आज भी दे रहा है, तो मैं उसमें क्यों जाके रोज की पंचायत करके देखूं कि 5 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है। तो सर ये है ना अपने को माइंडसेट चेंज करना होता है इंट्राडे, ठीक है इंट्राडे होता है कि आप दिन भर स्क्रीन पे बैठे हो करोगे क्या, अगर आपके पास वो इच नहीं है तो इंट्राडे करना बंद कर दो, आप इंट्राडे ट्रेड हो हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं चंदन किरिट सर प्रॉब्ली सर्वेंदर ऑल्सो डॉक्टर मलिक साहब ऑल्सो आयुष ऑल्सो, हमारे पास इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं है, हम कुछ भी आ गया हमारे पास इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं, तो हम इसके लिए इंट्राडे ट्रेड मार देते हैं, स्क्रीन पे बैठे कुछ तो करेंगे ना टाइम पास के लिए, तो वो उसमें पोजीशन इतनी छोटी होती है, उसमें सब कुछ डिफाइन होता है कि अगर पैसा लॉस भी हुआ ना तो कोई फर्क ना पड़ना जिंदगी को, गलती से बन गया, गलती बोल रहा हूँ वापस, हाँ जो हम लक फैक्टर किड सर बोलते, अगर बन गया पैसा कमा के जाओ। हाँ नंदा जी बोलिए ना। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था कि सर इस लेवल पे बैंक निफ्टी वगैरह शॉर्ट किया जा सकता है सर? चंदन जवाब दे दे। ये सवाल तो बहुत मुश्किल है बट टेक्निकली ये मेरा ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है आपको, मैं टेक्निकल बता रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी 42880 के नीचे शायद थोड़ा खराब हो जाएगा, वहां पे शायद मैं थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट जाऊंगा। जी सर। सर थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा सा एक व्यू शेयर करना चाहता हूं मैं कि वैसे तो शॉर्ट नहीं किया जाता, तेजी में तेजी बोलते हैं सब, लेकिन सर मेरा कहने का मतलब था कि अगर हम शॉर्ट करते हैं तो अभी हर एक मतलब महीना बदला पलटने का मतलब ये बोलते हैं कि 200-250 में पलटा जा रहा है सर, तो सर अच्छा रिटर्न नहीं है सर? अगर आप इसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिटर्न है। मैं स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और बहुत ही हैंडसम रिटर्न है, चाहे बाजार पिछले 3-4 साल में नीचे भी गया ऊपर भी आ गया, बट एवरेज रिटर्न साल में अच्छा मिल जाता है, बट इट शुड बी परफॉर्म विद प्रॉपर डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजी। इस पे अगर आपको बदला खेलना है तो सिर्फ बदले में से बदला खेल के तो पैसा नहीं बना सकते, बट बदले के साथ में कुछ स्ट्रेटजी इसमें इम्प्लॉय कर देंगे ना तो पैसा बनता है आराम से, बैंक निफ्टी में महीने के आप 700-600 बना सकते हैं। Exactly, sir. अभी हम देख रहे हैं सर हर महीने एक्चुअली 200-250 रुपए का पलटा आ रहा है, बदला आ रहा है, ये हमेशा आता है, ये बैंक का ब्याज, ये बाजार का ब्याज का भाव होता है, ये हमेशा रहता है, ये हमेशा okay, ही रहता है, ये ब्याज कमाना बोलते हैं इसको हम लोग अपने अपने धंधे में भाई, बाजार बैंक का ब्याज चलता है 7% का, बाजार का ब्याज चलता है 15% का, तो बाजार 15% का ब्याज आपको हमेशा देता रहेगा, अगर आपको ब्याज लेना आता है तो बाजार साल में 15% देता रहेगा आपको, आप लेते रहिए ब्याज, बैंक ब्याज का दैट इज सिंपली कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैरी, COC आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे मिल जाएगा। विशाल भाई एक चीज बताओ, आशीष के भाई हो क्या? जी सर आशीष नंदा। हाँ, उसके भाई हो ना, अपन हाँ मिल नहीं पाए थे कर्म के घर पर। तो जैसे ही आपका नाम देखा ना तो मुझे याद आया कि आशीष से मैं मिला था इन दिल्ली, सो अभी वो डिस्कस करने का टॉपिक नहीं है यहाँ पर। जी सर जी सर
तो एक सिंपल समझ लो कि आपने अगर कोई एक चीज खरीदी है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए की है, आप उसका मुझे प्रीमियम देखेगा 1 लाख रुपए का, तो मैं क्या बोलूंगा भैया 10 लाख की चीज खरीद के जाओगे? आप बोले हाँ, तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कब खरीदोगे? आपने बोला मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा, 8 महीने बाद खरीदूंगा, साल भर बाद खरीदूंगा, जब मर्जी। जी सर। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया एक काम कर, 10 लाख का तू मुझसे माल लेके जा रहा, आज तूने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया मेरे पास, तो इसका एक काम कर, महीने का 0.5% तो ब्याज दे दे, 0.25% ब्याज दे दे, या 1% ब्याज दे दे, जैसा जैसा इंसान, जैसा देश वैसा देश, जैसा मैंने देखा है कि 200 रुपए का हर महीने में बदला है। अभी आज में 100 रुपए, आप ये देखिए सर, आज आप नोट करिए कि हाजिर और फ्यूचर में फ्यूचर ज्यादा गिरा है आज, कल तक 300 रुपए का बदला था सर, प्रीमियम रिड्यूस हो गया ना। अब आप अगर ये सिंपल ये पकड़ के चलो कि मैं 300 रुपए प्रीमियम खाने जा रहा हूँ और बैंक निफ्टी चल गया 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट चल गया, तो आप 300 पॉइंट प्रीमियम खा के जाओगे क्या? आप 7500 लेकिन सर, लेकिन पब्लिक को ये बताइए कि सर M2M तो देख रहे हैं, तो M2M तो आपका लॉस आ रहा है ना, आप 300 पॉइंट खाने के लिए बैठे हो और सर नहीं 1000 पॉइंट। सर देखो देखो सर, आई एम सॉरी अगर मैं आपको कुछ कहूँ, मतलब अगर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा मतलब सर ये है कि अगर हम 200 रुपए पलटते हैं हर महीने, आप देखिए एक साल में हम 2400 रुपए ऊपर आ जाते हैं, 12 महीने 200 भी मिनिमम पलटे तो 2400 ऊपर आ जाते हैं सर। अगर अच्छा उसी टाइम बताऊं बैंक निफ्टी 10000 पॉइंट ऊपर चला गया तब क्या? सर नहीं जाता सर, आपके सामने 32000 का निफ्टी 42000 का है सर, वो सबने उस टाइम भी, हमने फर्स्ट टाइम आशीष और मैंने, हमने फर्स्ट टाइम सर पुट्स भी प्लस करी थी हमने कि देखी जाएगी एक बार, बट सर वो भी कवर करने का, एक रिकवर करने का तरीका आता सर, बट ऐसा नहीं होता सर हर बार यूक्रेन और ये सब वॉर नहीं लगती सर। मैं तो सर देखो मैं आपसे बहुत छोटा हूँ सर, थोड़ा सा मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर हम 200 200 अगर हर महीने पलटते जाएं, हम लोग शॉर्ट सेलर्स हैं, तो ये सर ठीक है सर? नहीं आशीष भाई, सॉरी विशाल भाई, प्रॉब्लम कुछ नहीं, आप उल्टा बदला जो खेल रहे हो ना कि भाई मुझे बदले का पैसा खाना है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो जो आपने ना बेचा है ठीक है, वो आप हमेशा 200 पॉइंट कमाओगे, बट आप सर उसके अलावा जैसे हम कहते हैं कैश कवर्ड कॉल्स या कैश कवर्ड पुट्स, तो सर पुट से भी तो आता है पैसा, तो आपने स्ट्रेटजी बना ली ना उस चीज की? जी सर। हाँ तो आप ये बोलो ना मेरे सामने उसकी कुछ और स्ट्रेटजी भी चल रही, तो आप नेकेड बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं बेच रहे हो, आप कवर्ड पुट भी बेच रहे हो, तो उसका पैसा आपके घर में स्ट्रेटजी होगी ना, तो स्ट्रेटजी तो कोई इश्यू नहीं है ना, जब हमें पता है कि मेरा अगर लॉस भी हुआ तो इतना ही लॉस होगा, बट मेरा प्रॉफिट ये पता है कि मुझे 2500 रुपए मिलना है, 2500 नहीं 1500 पॉइंट भी मिला फॉर एग्जांपल, ठीक है कभी कम रहा कभी ज्यादा रहा, कभी उसके अलावा पुट से भी आएगा। अरे मैं वो कम ना, आपके पास स्ट्रेटेजी है उस चीज की, तो इम्प्लॉय करो डिप्लॉय करो, कोई इश्यू नहीं होता उसमें। जी सर, डन सर, डन। So I sent a request to Ankush, Mohit, CK also, they are not joining in. Ankush, pata hai tere ghar pe choti baby hai, you cannot join in. Mohit, aap naye ho first bar, aapko bhi request bheja hai. I like to invite new people also, ke kisi ko aisa na lage ke sirf hum hi hum bakwas karte rehte. Kit sir, your views on all these ulta badla and everything? Mera upale nahi padta, so it's better I don't comment. डॉक्टर साहब अपने आके कभी बोलते नहीं है, डॉक्टर साहब को तो वापस फोन करना पड़ेगा कभी। तो अमित भाई बदला तो बढ़िया, बदला तो बेस्ट तब चलता था जब बीएससी का बदला होता था, तब जेन्युइन बदला चलता था, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से हर काउंटर का बदला आगे पीछे होता था। आज की डेट में क्या है, एक सेट मार्केट वाइड लिमिट है, एक सेट कॉस्ट ऑफ कैरी है, और स्टॉक का कोई रुझान नहीं है, पोजिशन का कम या ज्यादा नहीं है, कहाँ पे इमोशन ज्यादा है कहीं पे कम, वो सारे के सारे मार्केट वाइड लिमिट में ही वो क्या कहते हैं उसको, उसके आयरन आउट हो जाते हैं, मतलब उसमें वो वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। बट जब बीएससी का बदला चलता था तो हमको मालूम है कि क्या क्या होता था, किसी किसी काउंटर में 18-18, 20-20% भी में रोल ओवर ब्याज मिलता था, और किसी में 5% नहीं मिलता था, सो इट वॉज ऑल डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा होती थी। तो और इनफैक्ट US वालों ने भी तारीफ की थी कि द बेस्ट ब्याज बदला एवर वॉज बीएससी, जिसको जो अब बंद हो गया किसी कारण से, बट आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट मॉडल, जहाँ आप एक शेयर भी शॉर्ट कर सकते थे और एक करोड़ शेयर भी शॉर्ट कर सकते थे, हर आदमी को सब कुछ करने का उसमें हक था, मतलब छोटी क्वांटिटी भी कर सकते थे, बड़ी क्वांटिटी भी, और ये एकदम से लॉट साइजेस का बंधन नहीं था।
तो आई थिंक वहां पे हर तरह का पार्टिसिपेशन होता था और सब लोग को ब्याज खाने भी मिलता था और जिसको ब्याज भरना था उसको ब्याज भरने भी मिलता था. तो वो एक अलग इंडस्ट्री थी और एक अलग मजा ही था. अब तो खैर वो दिन है नहीं. तो अब ये एनएससी का बैंक निफ्टी पे बदला करना चाहते हैं, बट यस अगर ट्रेंडिंग मार्केट में बदला कर देंगे तो मार्क टू मार्केट बहुत बड़ा आ जाता है. बदला आप तब करोगे जब रेंज लगे आपको कि बाजार रेंज बाउंड है और एक 1500-2000 पॉइंट की रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की, उसके बहुत बियॉन्ड नहीं जाएगा 6-8 महीनों में, उतना बदला मैं खा लूंगा. बदला तो आप तभी करोगे ना, आपको लगेगा इतना बदला मैं 6 महीने खाऊंगा और मेरे को मार्क टू मार्केट का हिट नहीं आएगा. सो दैट्स द ऑलवेज द अंडरलाइंग टू डू ब्याज बदला. खाली ब्याज के पीछे भागोगे और मार्क टू मार्केट भरोगे ऐसा नहीं है. सो आई थिंक ट्रेंडिंग मार्केट में मुश्किल होता है, बट अगर रेंज बाउंड कोई चीज मिल जाए तो बदला खाने में भी हर्जा नहीं है. या आपको मालूम होगी एटलीस्ट मैं 3 महीने के लिए बदला खा रहा हूँ और ये हाई जो लग गया है ये फाइनल हाई है और 3-4 महीने ये भाव नहीं आएगा तो मैं 4 महीने बदला खा लेता हूँ. सो दैट स्ट्रेटजी हैज टू बी देयर कि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस भाव से आपने बदला खाना शुरू किया है वो भाव एटलीस्ट 2-3 महीने 4 महीने नहीं आएगा और आप वो 250 पॉइंट 300 पॉइंट जो भी बैंक निफ्टी के हैं वो आप 3-4 महीने खा पाओगे, तब तो मतलब बनेगा, नहीं तो फिर तो इट्स अ लूजिंग गेम. बट सर्वेंद्र भाई जब हम बीएससी के बदले की बात करते थे उस टाइम आरबीआई का भी जो इंटरेस्ट रेट है, जहाँ मैं तो खुद 10th क्लास में था, मैं तो खुद बहुत पढ़ा है, तो समझ में आता है कि उस टाइम अपना ब्याज भी है ना, बैंक का इंटरेस्ट रेट भी है ना 15-16% हुआ करता था इफ नॉट मिस्टेकन, यू कैन करेक्ट मी बिकॉज यू आर वेटरन देन मी. तो मुझे इतना पता है कि 18% तो नॉर्मल ब्याज चलता था, आज के दिन में 18% हाई ब्याज हो जाता है. तो उस टाइम तो ब्याज ही इतना चलता था, तो 18% में तो क्या वो 24-36% मारते थे ब्याज. अरे बिल्कुल आई थिंक उस समय तो बहुत ब्याज वाले में बहुत पैसे छूटते थे और अच्छे पैसे छूटते थे और हफ्ते का वलन होता था ना, वो तो हफ्ते हफ्ते का भी वलन होता था, तो वो तो एक अलग ही 15 दिन का वलन था जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन. तो वही वो एक अलग जोन ही था, वो अलग जोन था, उस तरह का तो मार्केट ही नहीं रहा और उस तरह के तो लोग भी नहीं रहे. सो आई थिंक जब तक पार्टिसिपेशन छोटे लॉट साइजेस में भी नहीं होगा और जब तक जिसको एक शेयर करना है उसको एक शेयर करने मिलना चाहिए और जिसको 1000 शेयर करने हैं उसको 1000 शेयर करना मिलना चाहिए, तब तो बात बनेगी. जब आप लॉट साइजेस में उलझा देते हो, मार्केट वाइड लिमिट में उलझ जाते हो, तो बहुत ज़्यादा करने के लिए जगह बचती नहीं है उसमें और इमोशन सेंटिमेंट कहीं बिल्डअप हो नहीं पाते. मतलब बदला तो तब बहुत बढ़िया बैठता है ना जब सब लोग उस पर बुलिश हो, कंसेंसस बाय हो, सबको खाली लेना हो और ब्याज भर के रोल करना हो लॉन्ग पोजिशन, तब बड़े बदले मिलते थे ना. एंड वाइस वर्सा उंदा बदला चलता था, जब पूरा गांव शॉर्ट रहता था तो उंदा बदला चलता था. तो वो मजा लॉन्ग शॉर्ट का तो अब रहा ही नहीं, उतने बड़े तो वो इमोशंस अब डेवलप होते ही नहीं मार्केट में. एंड दैट इज व्हाई एकदम से आपको दिख रहा है ना कि वॉलेटिलिटी आईवी सब एकदम फ्लैटिश ही चलते हैं सालों महीनों. अभी एसएलबीएम का मैकेनिज्म चालू है, एसएलबीएम मुझे नहीं पता कि तो SLBM का मतलब भी समझ में आता होगा, मतलब स्टॉक लेंडिंग बॉर्डिंग मैकेनिज्म. भाई साहब लेंडिंग में आप डाल के तो देखो विंडो में, आपको 100 शेयर भी मिल जाए तो बताना मुझे, मिलता कहाँ है माल, माल भी तो मिलना चाहिए लेंडिंग में. 2-4 काउंटरों में होती है वॉल्यूम, बाकी आई डोंट थिंक ट्राई किया सबने बहुतों ने, बट बहुत ज्यादा अभी वो मैकेनिज्म पिकअप हो नहीं पाया है बॉरिंग लेंडिंग वाला. बट एक सिंपल समझा तो स्टॉक लेंडिंग बॉरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, आपको लगता है कैश स्टॉक है मुझे शॉर्ट करना है 15 दिन के लिए, कैश स्टॉक इंट्राडे में आप शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ईओडी पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा. तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, अगर आपका ब्रोकर अलाउ करे किसी के पास से उधार लेके दे दे आपको, फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस शॉर्ट करना है, रिलायंस का भाव चल रहा है 2500 रुपये, आपको 100 शेयर शॉर्ट कर लो. रिलायंस नहीं छोड़ दो, रिलायंस तो फ्यूचर का स्टॉक है, पुट भी खरीद सकते हो. कैश स्टॉक पकड़ लो कोई XYZ, फॉर एग्जाम्पल HFCL का भाव चल रहा है 100 रुपये, आपको लगता है HFCL का भाव 100 खराब है, HFCL 50 आ जाएगा, तब ब्रोकर को बोल सकते हो मुझे 1000 शेयर शॉर्ट करने, 50,000 का वैल्यू लगेगा, 50,000 मुझे उधार वैल्यू के दिलवा दे, मैं उसका जो ब्याज होगा ब्याज भरने को रेडी हूँ. तो उसके अगेंस्ट आपका ब्याज लेगा और आपको स्टॉक दे देगा, दैट इज SLBM. थोड़ा गूगल करना है व्हाट इज SLBM. तो मैकेनिज्म आज भी ब्याज बदले का चालू है बट इन अ डिफरेंट मैनर, जहाँ हमें जो सर्वेंद्र बोला परफेक्ट बोला, मिलता कुछ नहीं है वहाँ पर, लिक्विडिटी नहीं है वहाँ, बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है. यूएस में देखो आप कार लाइकन को देखो, शॉर्ट करना रहता है तो एप्पल भी कहीं से भी उठा के 3% लाके एप्पल शॉर्ट कर लेते हैं वो लोग. सो वो लोग उनको मिल जाता है वहाँ पे, आपको क्वांटिटी मिल जाती है वहाँ पे, फंड्स हैं जो दे देते हैं. सो आई थिंक क्योंकि अल्टीमेटली आप जब तक कैश मार्केट में सेलिंग नहीं, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज जस्ट अ ऑफशूट ऑफ स्पॉट कैश प्राइसेस. जब तक आप कैश में सेलिंग नहीं करोगे तब तक फ्यूचर्स को आप इफेक्ट ज्यादा नहीं कर पाओगे. सो अनलेस एंड टिल सप्लाई डिमांड आप जाके कैश सेगमेंट में असर करोगे, तभी जाके आपको जो फ्यूचर्स में या आगे चल के आपको जो गेंस चाहिए या आपका जो ध्यान है या आपका व्यू है वो सक्सेसफुल निकलेगा. सो वो मैकेनिज्म जब तक ठीक से नहीं आ जाता है
तब तक आई डोंट नो कितना इवॉल्व हो पाएगा मार्केट. अभी तो सबको, सब लोग तो इंडेक्स में ही लगे पड़े हैं, स्टॉक्स में तो आप जाओ तो आपको कहाँ वॉल्यूम भी नहीं मिलते. 30-40-50 लॉट भी लेने जाओ तो आपको एक भाव से, आपके भाव से लिक्विडिटी मिल जाए टॉप 5-10 आइटम को छोड़ के, तो आप बताओ मेरे को, हमें तो नहीं मिलती. अरे सर्वेंद्र भाई, क्या स्टॉक में मुझे लिक्विडिटी नहीं मिलता, मुझे भाव छापना पड़ता है इसके लिए. एग्जैक्टली. सो वो लोग अभी नहीं समझ रहे कि बाजार में इम्पैक्ट डे बाई डे बेसिस बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे आपके बेस बढ़ते जाएंगे, बेसिस इम्पैक्ट कॉस्ट सब जगह बढ़ते जा रहे हैं. सो दैट हैज टू बी टेकन केयर इन एनी सिस्टम. एनी बडी इज ट्रेडिंग, यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द बेसिस दैट यू आर क्रिएटिंग. एंड लिक्विडिटी जैसे जैसे ऊपर में ड्राई होती जाएगी तो उतना मुश्किल होता जाता है. जब अच्छे अच्छे, जब आप बोल रहे हो कि वेटरन प्लेयर्स लाइक यू, जब हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सोचो बेचारा जो नया नया उतरा है उसका क्या हालत होता होगा. सो मोहित ओवर हियर, फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग. मोहित, योर व्यूज अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, एनीथिंग, प्लीज गो एंड शेयर. थैंक्स सर. माय व्यू, I can only give you the kind of positions I have, my view based on that. So in Bank Nifty, I am basically holding bullish triangles. I don't see much downside in Bank Nifty unless 42,900 gets broken. Until that goes, I just don't see a big down move in Bank Nifty. Otherwise, I don't actually track Nifty because I don't trade those discretion wise, right? Only algos punches order in that. But I was just wondering, while you guys were talking about SLBM, right? Do you think that that culture will anyways get adopted in India? Because see, in US anyways, the stocks are the shares are held with the brokers, so it's easier for them to lend those out to people who are way too short. In India, it's anyways held by depository, so I don't see unless people start opting in to basically lend their shares actively, I don't see that kind of culture growing in India where you can go and borrow stocks and then sell those in cash markets. See, again, I'll add to your point because people are unaware of those facts. Make agar long term investor hu, mere paas for example ITC ke 10,000 share pade, mujhe lagta hai ki mujhe 20 saal share nahi bechne hain kyunki mujhe pata hi nahi ki main usko lend kar sakta hu, uska mujhe free mein baith ke byaj bhi milega, interest bhi, sorry, uska dividend bhi mere paas aayega, bonus bhi mere paas aayega, sab kuch. Public ko knowledge nahi hai, people don't even know those facts. So, सबसे बड़ा है कि एजुकेशन नहीं उस चीज की कि भैया ये भी किया जा सकता है, आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है ना, आप ब्रोकर को बोल दो कोई लेने जाता है दे दे, ब्याज का पैसा मुझे मिलना चाहिए, तो ब्रोकर के पास होल्डिंग रहेगा, वो सिर्फ प्लेज करके जा रहा है उसको, उसका पैसा सब कुछ गारंटी वो लेके जाएगा, अपने को उसमें कोई टेंशन ही नहीं है. जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. क्योंकि जब तक आई डोंट थिंक, क्योंकि यूजुअली लोग ऑप्ट इन नहीं करते कभी भी. इफ यू आस्क पीपल की एक्स वाई जेड रिस्क है एंड यू कैन गिव अवे योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स एंड लेट द ब्रोकर हैंडल दैट, द लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है मार्केट के अंदर, राइट, स्पेशली अगेंस्ट ब्रोकर फ्रॉड्स, तो फिर आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग सिलेक्ट करेंगे भी कभी वो ऑप्शन चूज करना, एज लॉन्ग एज इट्स ऑप्ट इन. सामने से ऑप्ट सर्विंदर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्क इन SLBM. क्योंकि आपके स्टॉक आपके अकाउंट में ही है. नहीं, SLBM में तो आप सामने वाले से बोरो करते हो और आपका उसमें एक इंटरमीडिएटरी रहता है, जब आप बोरो करते हो तो आप वो बोरो करके आपको वहां पे आ जाएगा. यू हैव टू पुट योर कोट कि कितना मैक्सिमम प्राइस में आप बोरो करने को रेडी हो. सो व्हाटएवर यू पुट अ कोट, वो तो इट्स अ बिडिंग गेम, तो आप उसके विंडो में जाके बिड करोगे. अगर वहां पे कोई आपको उस रेट से देखे जाएगा तो आपको देखे जाएगा, और इसके बाद वो आपके पास आ गया और आपको उसको सेल करना है. Correct. Like, and but that is a product for an investor, right? Mostly, if you talk about investors, ko anyway, it's not actively nahi dekhna ga kisi ko. To fir uske liye wo cheez actively manage karna. I think uske margins time to time aate rehte hain. So we have to check those margins. I think, or margins are stiff. Usme 30-40% kuch margins aapko bharne padte hain. To wo har stock ka alag alag hai, aur wo jaake dekhna padta hai. So it's very, I think it's very illiquid right now. It's very what you call unexplored. अभी कोई कर नहीं. Absolutely. I don't know. NSE ने कर तो दिया है cash settlement. अभी तक क्या हो रहा है आप देख लीजिए. What is happening? आप बता दीजिए. FNO monthly delivery के दिन stocks में कितना? All the contracts are compulsory delivery. लेकिन हो क्या रहा है? 3:25 पे या 3:20 पे last वो जो भी हर broker का अपना अपना time है. सबके options उड़ा देगा या futures उड़ा देगा वो broker. क्योंकि internally कोई किसी के अंदर वो drive ही नहीं है ना delivery देने और लेने की. तो आप अभी भी कहने के लिए हम
टोटली डिलीवरी सेटल्ड हैं बट यू गो एंड लुक एट व्हाट्स हैपनिंग, आपको ब्रोकर पहले दिन से मंडे से वार्निंग देना शुरू कर देगा, मार्जिन 25% बढ़ गया, मार्जिन 50% बढ़ गया, मार्जिन 75% हो गया और लास्ट डे मार्जिन 100 हो गया, नो डाउट। जब आपका मार्जिन 100% हो ही गया है और अब आपको डिलीवरी लेनी ही नहीं थी तो बात वही हो रही है जो पहले चल रहा था, इट इज अगेन कैश सेटल्ड ओनली, हो तो कुछ नहीं रहा है परसेंटेज वाइज डिलीवरी, क्योंकि लास्ट में ब्रोकर ही सल्टा देता है 3:00 जो भी, हर ब्रोकर का अपना अपना लिमिट है, आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर ब्रोकर्स बट जहां मैं करता हूं आई थिंक वहां पे है कि ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस हम आपकी 2:30 या 3:30 में आपकी पोजीशन उड़ा देंगे। तो अगर आपने खुद नहीं रोल की नेक्स्ट मंथ में, सो अल्टीमेटली व्हेन द पोजीशन इज ओनली गेटिंग रोल्ड, द होल पर्पस इज गेटिंग डिफीटेड और वो चीज हो नहीं रही है जो करने चाह रहे हैं, जैसे यूएस में कि भाई फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी, माल कहीं से भी लाओ और दो इफ यू आर स्टैंडिंग टिल द लास्ट डेट, और वहां पे लोग एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी लेते और देते हैं एग्रेसिवली। यहाँ पे तो दैट परसेंटेज इज सो मिनिस्क्यूल कि वो मार्केट ही नहीं डेवलप हो पा रहा, सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द होल प्रॉब्लम। डेफिनेटली मतलब आई थिंक इफ इट हैज टू ग्रो प्रोबेबली देन रेगुलेशंस और द ईज ऑफ इट हैज टू इंक्रीज फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर। यू शुड गेट लिक्विडिटी, यू शुड गेट इजीली, यू शुड बी एबल टू बोरो एंड यू शुड नो व्हाट इज द कॉस्ट एंड इट शुड बी अ वेरी फेयर थिंग। Yeah. जैसे पहले होता था, मतलब बड़ा क्लियरली दिखता था कि भाई ये बदला चल रहा है एंड आप उसमें ब्रोकर को बोलते होते हो कि हाँ भाई इस बदले में मैं रोल करूंगा, यू वर एबल टू टेक अ कॉल एंड लिक्विडिटी वाज देयर, आप जो भी क्वांटिटी रोल करना चाहते थे पूरी रोल होती थी, यू कुड कैरी दोज पोजीशंस एंड उसको आप बदला भर भर के आप लॉन्ग भी कैरी कर सकते थे और बदला खा खा के आप शॉर्ट भी कैरी कर सकते थे इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, कि ज्यादातर बदला शॉर्ट वाले को हमेशा बदला खाने मिलता है नॉर्मली अनलेस एंटिल उंदा बदला चल रहा हो एंड वाइस वर्सा, तो वो हफ्तों महीनों पोजीशंस चलाते थे, मतलब व्हेन आवर डैड्स यूज्ड टू ट्रेड वो हफ्तों महीनों वो पोजीशन चलती थी, चलानी होती थी तो बदला भर के चलाते थे एंड हम लोग तो देखते थे कि वो मार्केट कितना वाइब्रेंट था उस समय में, बट अब वो नहीं है, आई थिंक वो चीज़ अभी नहीं है क्योंकि हमने पहला 15-20 साल कैश सेटलमेंट, सिंपल थिंग है सर्वेंद्र, नहीं अमित भाई सुनो, हमने पहले 15-20 साल कैश सेटलमेंट की आदत डाल ली, हमने ब्याज भरने की आदत नहीं डाली, हमने वो कैश सेटलमेंट की आदत डाल दी और कॉस्ट ऑफ कैरी के हिसाब से जो भी फ्यूचर में बदला मिल गया हमने पोजीशन रोल करने शुरू कर दी, तो हमको वही आदत लग गई, सो हमें आदत लग गई ना, हमने डिलीवरी कभी मांगी ना हमने कभी डिलीवरी दी। पीपल कैन गो एंड स्टडी व्हाट हैपेंड टू रिलायंस, व्हाट धीरूभाई अंबानी डिड टू द मंदी वाला पैक, सो यू कैन गो एंड लुक एट दैट केस स्टडी, हाउ द एंटायर गेम फॉर द रिलायंस शॉर्ट बेयर्स, द बेयर कार्टेल ऑन रिलायंस, हाउ दैट हैमर्ड Reliance and taken Dhirubhai Ambani almost to the brink and how that entire game got उसको कैसे पलटा उन्होंने, so that और exchange I think BSE थोड़े दिनों के लिए एक दो दिन के लिए बंद भी हुआ क्योंकि वो सारा कुछ सल्टाना था, so that was the only rare occasion जब वो सब हुआ, so मुझे तो खाली case study सुनने को मिलती है, हम तो उस समय स्कूलों में रहे होंगे कॉलेजों में, but वो भी bear cartel से उनकी जो fight हुई और कैसे वो ब्याज बदले में वो fight हुई और कैसे वो पूरा bear cartel को पलटा उन्होंने, so that's a good read. People should go and study that. That was also a good case study to understand what is actually Vyaj Badla. So I think I have a Sumit. Sumit, please go ahead. Hey, hi Amit. I'm Sumit. I'm a cyber security expert. So I don't have any view on the market, but I have few questions, if you allow me. Yeah, please. If we have the answer, we'll try to answer. If we don't have answer, we'll try to find the answer. अच्छा स्टोरी इन शॉर्ट क्या हुआ था, कोविड में सबका वर्क फ्रॉम होम हुआ तो आई स्टार्टेड वाचिंग बिजनेस न्यूज चैनल्स और मेरा इंटरेस्ट बना तो आई स्टार्टेड इन कैश मार्केट, फिर मैं एफएनओ में आया, नाउ आई एम डूइंग ओके इन एफएनओ एज वेल, मैंने चार्ट्स वर्ड्स रीडिंग वीडिंग सीखा, मेरे को डेढ़ दो साल लगा उसमें, बट अभी क्या होता है मेरा जो एफएनओ में प्रॉफिट होता ना वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता, मे बी लैक ऑफ नॉलेज, और मेरे को एक एडवाइस किया था मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं इस चीज़ को, हाउ वी कैन मेक इट बिग, सपोज मैंने किसी स्टॉक के 4 लॉट लिए तो मैं 8,000 के प्रॉफिट पे निकलता हूँ या 8,000 के लॉस पे निकलता हूँ, ये रूल है क्योंकि मैं बिगनर हूँ, तो उसको कौन सा डेटा देखूँ, मैं OI डेटा देखूँ, चार्ट्स पे लगा रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट देखूँ, ग्लोबल क्यूज, क्या करूँ? लेट मी आंसर इट वेरी सिंपली, आज सिंपल एक प्राइस एक्शन पकड़ो पहले, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है आपको, जस्ट म्यूट योर माइक, लेट मी आंसर यू फर्स्ट, ओके प्लीज, ओके
वही सब बाद में पकड़ना। सिंपल प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? अगर डेली हायर हाई हाई लो बना रहा है या लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, आपने लॉन्ग का पोजीशन लिया तो आपको देखना हायर हाई हाई लो बना रहा है और वो प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहा है, आपको स्टेट में कंटिन्यू रहना है। मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, आप एक डेली वाला चार्ट के पे हो, 5 मिनट और 15 मिनट जो हम लोग करते हैं उस पे नहीं है। बट अमित, मैंने जैसे आपको बोला मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो तो मैं पहले सिंपल समझा देता हूँ कि अगर आप एज अ ट्रेडर घुसे हो, इंट्राडे के लिए आए हो, अलग सेटअप होगा, सेटअप वही होगा बट टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा मेरे कैंडल्स का। आप पोजिशनल हो तो मेरा कैंडल का सेटअप अलग हो जाएगा, आप डेली वाले हो तो मेरा कैंडल का सेटअप एकदम शांत वाला हो जाता है। तो हमें सिंपल ये देखना है कि मेरी 5-15 मिनट की कैंडल, अगर मैं प्योरली इंट्राडे हूँ, हायर हाई हाई लो बना रही है, इफ आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग, इफ आई वॉन्ट टू शॉर्ट आई नीड टू सी लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तब मैं जाके शॉर्ट करूंगा, एज सिंपल एज दैट। सेम टाइम डेली पे मुझे वही चीज देखनी है, 15 मिनट पे वो देखनी है, आली पे वो देखनी है, मुझे पोजीशन कैरी करना है, मुझे नहीं पता मेरा स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर होगा। अगर मेरे फेवर में चल रहा है, इनिशियल स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया, मेरे फेवर में चल रहा है, मैं ट्रेलिंग करता चलूंगा। मुझे नहीं पता वो निफ्टी आज के दिन में 100 पॉइंट देगी, 200 देगी, 500 देगी, नन ऑफ अस नोज दैट। तो ये हो गया इंट्राडे के लिए 5-15 मिनट का। मैं 5-15 मिनट को फिल्टर कर देता हूँ, 5 मिनट पे है, 5 मिनट की 3 कैंडल बनती है 15 मिनट पे, वो कंफर्मेशन है 15 मिनट पे भी, तो मुझे ज्यादा कंफर्मेशन लगता है। अभी वही मुझे नहीं लगता आपको वही समझ में आता है, वही को कैसे रीड किया जाता है, तो अभी वही को अपनी दिल से निकाल दो। हाँ, इतना नहीं आता। हाँ, तो बेटर है आप सिंपल कॉन्सेंट्रेट करो कैश स्टॉक्स में, अभी कैश स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट करो। फ्यूचर में अगर 5 लॉट लेते हो ना, फ्यूचर पे एक लॉट पर आ जाओ, एक लॉट पर एक्चुअली नहीं करता, ऑप्शंस ही करता हूं। मतलब मेरा कैपिटल नहीं भाई, आप तो आपको सच बोलूं तो मेरा सिंपल रिस्क पे चले गए हो, प्योर रिस्क पे चले गए, ऑप्शन बाइंग 99.99% पीपल लूज मनी। लोग बोलते हैं 95% लूज मनी, होता बहुत ही कम हम जैसे होते हैं। डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब से सामने बोलूंगा ना पक्का, रात को डॉक्टर साहब मुझे फोन करके बोल देंगे ऑप्शन में कौन पैसा कमाता है, मैं पक्का इनको स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, ये मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं इनका मतलब फैन भी हूँ, दोस्त भी हूँ, छोटा भाई भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ, जो भी है हम बहुत क्लोज होते हैं। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है बट उसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए होता है। ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, हमें पता है कि इस मार्केट इस रेंज में तो मेरा पैसा बन जाएगा। तो आपको निकालना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ऑप्शन छोड़ दो, थोड़े दिन कैश मार्केट काम करो, ये मार्केट अभी कैश के लिए कंड्यूसिव है। कैश में आप अपना जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, कैश मार्केट में यूज करो, ज्यादा अच्छा पैसा कैश मार्केट में। अमित, मेरा कैश में भी ना बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, मतलब गुड अमाउंट, तो अच्छी चीज है। और दूसरा मैं आपको बोलूं, मैंने अभी ना लास्ट पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट अपनी हर मंथ कैपिटल पे, सपोज मेरी 2.5 लाख कैपिटल है, मैंने इक्वली प्रॉफिट कमाया है, मंथ एंड मेरा पॉजिटिव गया है उतनी कैपिटल पे। तो मेरे को ना ऐसा लगने लगा है कि समाओ मेरे को आ गया है थोड़ा बहुत, बट मुझे डर क्या लगता है पोजिशन कैरी करने में। सपोज अगर मैं किसी स्टॉक में 15,000 प्रॉफिट में हूँ, मेरे को सुबह डर लगता है कि डाओ गिर जाएगा, ये हो जाएगा, और वो 15,000 का प्रॉफिट जैसे ही 7,000 दिखता है ना सुबह, तो मैं भाग जाता हूँ 7,000 लेके। मेरे में वेट करने का या फिर या मेरी चार्ट ट्रेडिंग बोल लो, इतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं। अच्छा, एक सिंपल चीज बोलता हूँ ऑफिस में, पहले तो अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो ना, डाउ जोन्स, एसजीएक्स, हांगकांग, चाइना, ताइवान, फुटसे, डैक्स, सब कुछ देखना बंद कर दो। आप अपनी चार्ट पे विश्वास करना शुरू करो। मैंने मेरा चार्ट पढ़ा है, मेरे चार्ट पे मुझे एंट्री यहाँ मिली है, मेरे चार्ट पे मुझे यहाँ एग्जिट है स्टॉप लॉस का। मुझे पता नहीं कि मैंने अगर 100 रुपए पे चीज ली कि 100 की 110 होगी, 120 होगी, बट मुझे पता अगर मेरी चीज गलत गई तो मैं 95 पे पक्का एग्जिट हो जाऊंगा। ये चीज डिफाइन करके आ जाओ अपनी लाइफ में कि 95 गया तो मुझे ना अमित को पूछने ना किसी को पूछने की जरूरत है, 95 आया मैं पक्का काट दूंगा। बस ये डिफाइन कर लो। ये डिफाइन जिस दिन करना शुरू कर दिया ना आपने, आप मुझे नहीं पता अच्छे ट्रेडर बनोगे, खराब ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिटेबल बनोगे, नहीं बनोगे,